हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट नीट महोत्सव टेस्ट 3 ट्रायल यहाँ पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थर्ड टेस्ट की जो आज टेस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड की आपको कल मिलेगी। ओके, तो फटाफट से जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। माय नेम इज आशीष राठौर, लेट्स स्टार्ट। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कम्स जस्ट आफ्टर स्पीसीज इन असेंडिंग ऑर्डर है ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे पहले देख लेते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। तो आपकी जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं, जैसे के पी सी ओ एफ जी एस, ये याद करने का तरीका है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, दीज आर द असेंडिंग ऑर्डर है, है ना। असेंडिंग ऑर्डर जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, यहाँ से ऐसे करके तीर बनाया, इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, जब नीचे जाते हैं ना, हायर टू लोअर देन डिसेंडिंग एंड लोअर टू हायर देन असेंडिंग। ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग है आपका, लिख देते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये क्या है आपका? डिसेंडिंग, ठीक है। पहले देख लीजिए क्या असेंडिंग के बारे में पूछ रहा है। अब देख लो क्या क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है स्पीसीज कहाँ आपका एडजस्ट कर रहा है, ये स्पीसीज एडजस्ट कर रही है ना, किसके बाद। अगर हम डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, डिसेंडिंग अकॉर्डिंग देखेंगे तो आफ्टर जीएस के आफ्टर है, है ना। और असेंडिंग अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिलो है, है ना। तो असेंडिंग अकॉर्डिंग स्पीसीज कहाँ कर रही है? असेंडिंग अकॉर्डिंग स्पीसीज कहाँ एडजस्ट करती है? आफ्टर, सॉरी, है ना। तो स्पीसीज कहाँ? जीनस के बाद। ओके, तो समझ गए ना, आफ्टर लगा यहाँ पे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो जीनस के बाद है, स्पीसीज के बाद है जीनस आपका, डिसेंडिंग में बिफोर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सही बात है भाई, है ना। आपके जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का एक ही मीनिंग होती है। एक ही मीनिंग मतलब सिनोनिम्स होते हैं, मतलब वही ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही सेल की बनी है। अगर हम एक सेल से दो सेल बना दे रहे हैं, है ना, तो एक प्रकार का क्या है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने ऐसी यंग वंस को प्रोड्यूस करना, तो एक प्रकार की रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको, है ना, इसको आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। और ये डिवीजन है, सेल डिवीजन भी तो है, एक प्रकार माइटोसिस भी तो है, है ना। और सेल जो ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या था? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल नंबर कैसे बढ़ते हैं? माइटोसिस यानी सेल डिवीजन से। तो एक प्रकार सेल डिवीजन है, मतलब ग्रोथ भी हो गई है, है ना। तो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। तो हम ये देख के नहीं बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है या फिर रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा किसमें? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। इसलिए कहते हैं इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेम थिंग्स। इनके अलग अलग मतलब नहीं हो सकते क्योंकि एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अगर ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होता है तो ग्रोथ अलग है रिप्रोडक्शन अलग होता है इसमें। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इस साइंटिफिक नेम इज सेंटिफिक हैज टू वर्ड्स बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर। सही बात है, फर्स्ट इज जेनरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस। तो ये भी सही हो गया आपका, इनकरेक्ट देखना है। हर्बेरियम कंटेन प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन प्लांट स्पेसिमेन। सही बात है, ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, है ना, डेड स्पेसिमेन लेते हैं इसमें हम हर्बेरियम में, इसको कंजर्व नहीं प्रिजर्व करते हैं। कंजर्व बोलना सही बात नहीं है, कंजर्व करते हैं हम मेनली लिविंग स्पीसीज का, है ना, और प्रिजर्व करते हैं डेड स्पीसीज का, इसमें डेड होता है। तो प्रिजर्व लिखा सही बात है, ये भी सही हो गया आपका। इसमें लिखा है बोटेनिकल गार्डन आर इन सीटू कंजर्वेशन, नहीं, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। अब इन सीटू एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई आपकी स्पीसीज है, है ना, ये किसी इसका जो टेरिटरी, इसकी जो हैबिटेट जहाँ पे रह रही है, अगर जो जिस जंगल में रह रहे, जो शेर रह रहे हैं, जो बंदर रह रहे हैं, उसी जंगल में हम एक बाउंड्री बना दें, ठीक है, एक बाउंड्री बना दें और उनको वहाँ पे कंजर्व कर लें एक तरह से, तो ये ऑन साइट कंजर्वेशन है, उनकी नेचर में कंजर्वेशन है, इसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर इसी बंदर को या फिर इसी शेर को यहाँ पर खतरा है और इसको हम पकड़ के अपने इसी जो इन्वायरमेंट है वैसा ही इन्वायरमेंट हम अपनी जगह पे बना लें, यहाँ पे कुछ सिटी के अंदर बना लेंगे, जैसे जूलॉजिकल पार्क देखें आपने ना, और वही नेचर दिया हमने जो जहाँ पे था, और अपने पास इसको हमने मतलब कंजर्व रख लिया, मतलब सुरक्षित रख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन थी उनके लिए बहुत क्रिटिकल थी, इंडेंजर्ड कंडीशन थी, है ना, बहुत रेयर स्पीसीज थी, अगर यहाँ पे रहती बेचारी मर जाती, खत्म हो जाती, एक्सटेंट हो जाती, इसलिए बचाने के लिए हमने अपने प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट में इसको रख लिया, इसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन और सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन में। तो बोटानिकल गार्डन क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन, नॉट इन सीटू। इन सीटू में आपकी नेशनल पार्क है,
और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, आगे फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाले इसका। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। थर्ड देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा एनसीईआरटी से वेरी कर गया है। अगर कभी आपको सिर्फ इंडिकेटर पॉल्यूशन इंडिकेटर बोले, क्वेश्चन आया पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो आपको अच्छे से पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, लाइकेन। लेकिन लाइकेन कहाँ, लाइकेन किस में है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, ये वाटर का हैबिटेट पूछे अगर, लेकिन वाटर में पूछे ये चीज़ है ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर हो लेकिन कैसा हो, वाटर का। तो हमेशा ऑप्शन मारिएगा आप ई कोलाई, इसकी देखिए कोलाई, लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तो मार दीजिए डायटम्स, ठीक है, ओके। लर्न कर लो, लर्न करना आपको, ये एनसीईआरटी से हल्का सा वेरी कर गया है तो आपको लर्न करना है। तो डायटम्स का सही आंसर होगा, लेकिन ईस्कोराई अच्छा ऑप्शन होता है, ईस्कोराई ई कोलाई है ना, इसकी देखिए कोलाई, तो तुम्हारी ई कोलाई भी ऑप्शन में नहीं, तो डायटम्स उसमें लगाएंगे हम, ठीक है। अब ई कोलाई कैसे, आपने बीओडी के बारे में तो सुना होगा ना, है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट नीड बाई बैक्टीरिया कंज्यूम टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इन वन लीटर वाटर, इसे कहते हैं बीओडी। तो इसमें इकोलाई को हम एरेशन, एक प्रकार एरेशन टैंक में छोड़ देते थे और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर लेते थे, तो जितनी आती गंदगी उतनी आती बीओडी है ना, तो कहते थे, तो इकोलाई को हम एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन इकोलाई ऑप्शन में नहीं है तो डायटम्स आप मारिएगा, इसको लर्न कर लीजिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देख लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। देखो दो चीजें होती हैं, ऑटोट्रॉफ दो प्रकार के होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो फूड का सिंथेसिस केमिकल मटेरियल मतलब केमिकल्स की प्रेजेंस में और एटीपी की प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, इसमें जो रॉ मटेरियल है फूड बनाने के लिए वो क्या है, केमिकल मटेरियल मतलब केमिकल्स हैं और क्या एटीपी, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। लेकिन यही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस मतलब फूड का सिंथेसिस अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पर एटीपी था और यहाँ पर क्या होगा, और रॉ मटेरियल इसमें भी होगा, नो डाउट रॉ मटेरियल इसमें भी होगा, और प्लस यहाँ एटीपी नहीं, यहाँ पर क्या है, लाइट है, लाइट बोले तो एच न्यू है ना, एच न्यू है इसमें, फोटोन है, तो उसे कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ। अब ये फोटोऑटोट्रॉफ फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सीजेनिक, एक होता है एनऑक्सीजेनिक, है ना। आपने फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ पढ़ी होगी, फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, तो पीएस टू में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजेनिक, है ना, उसमें लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन होता था। तो ऐसे समझ लो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पीएस टू मतलब फोटोसिस्टम टू का यूज करें वो हो गया क्या, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और जो पीएस टू का यूज ना करें, है ना, पीएस टू का यूज ना करें, सिर्फ पीएस वन का यूज करें, उसे कहते हैं एनऑक्सीजेनिक। तो जितने भी प्लांट्स हैं मतलब क्लोरोफिलस प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड फ्यू मोनेरन जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टाकोनाविना है, जिक्र ये करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आपके कुछ मोनेरा ऐसे हैं, कौन से वाले, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये एनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो क्यों, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है इनके, है ना, क्लोरोफिल की जगह पे बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। और जो आपकी साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल ए होता है, प्लांट के जैसे होते हैं। तो सारे ग्रीन प्लांट्स और प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक, और बाकी कीमो में क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे कहाँ, इधर आ जाएंगे, है ना, पूरा रिवीजन हो गया तरह से। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस ये क्या है, कीमोटोट्रॉफ, है ना, क्लोरोबियम भी आपकी कीमो हो जाएगा, और नॉस्टॉक ये क्या, एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है ना, नॉस्टॉक एनाबीना। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी करें, याद रखिए ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होना जरूरी है और पीएस टू का यूज करना जरूरी है। एनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस पीएस टू का यूज नहीं करेगा, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें ले रहे हो ऑक्सीजन होगा, लिबरेशन होगा, सेकंड ऑप्शन भी करें। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट सिलेक्ट द ट्रू वन अबाउट प्राइमस। प्राइमस देखो, प्राइमस क्या होता है, जानते हो आप, एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन, एफएक्सिस प्रोटीन को प्राइमस बोलते हैं। फिर भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार देख लेते हैं, अगर हम सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ले लें तो इसे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे हो तो इसे बोलते हैं बायरॉइड्स, मतलब इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड ओनली देन बायरॉइड्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन ओनली देन आंसर इज प्रायंस। प्रायंस बोले, प्रायंस जो भी बोलना बोलो, और दोनों को मिला के बोल दो दैट इज वायरस,
ठीक है, याद करने का तरीका है, न्यूक्लियो प्रोटीन इज वायरस, ओनली न्यूक्लियर एसिड देन वायरस, ओनली प्रोटीन देन प्रायोस। यहाँ पे प्रायोस में लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता था, ठीक है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रायोस होते थे, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन एक प्रकार का वायरस होता है जो काफी प्रकार के हो सकते हैं, न्यूक्लियो एसिड में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। लंबी क्लास हो जाएगी, फिलहाल हमें ऑप्शन देखना है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे लिखा है इट हैज आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस है आपका, लार्जर देन वायरस नहीं, सेम साइज का वायरस होता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बैक्टीरियोफेज बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या एक प्रकार का वायरस है, और वायरस क्या एक प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन है और ये न्यूक्लियो एसिड हो गया, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होगी। सोचो सोचो सोचो, अगर हम इसमें न्यूक्लियो एसिड हटा दें अंदर से, तो अब ये सिर्फ प्रोटीन है, तो सिर्फ प्रोटीन क्या बोलते थे प्रायोस, तो आप इसका साइज देख लो और ये अंदर ये बना लो, दोनों का साइज तो सेम ही है, तो साइज ऑफ वायरस साइज ऑफ प्रायोस इज इक्वल। ओके, अब सिर्फ न्यूक्लियो एसिड तो छोटा होगा ना, है ना, तो सिर्फ क्या है साइज, साइज को देखिए तो सबसे छोटा वायरॉइड्स, इसके बाद प्रायोस एंड वायरस दोनों का साइज इक्वल, फिर इसके बाद माइक्रोप्लाज्मा, फिर इसके बाद बैक्टीरिया, फिर इसके बाद आपकी यूकैरियोटिक सेल, है ना, ये सब सीक्वेंस पूरा असेंडिंग ऑर्डर है, ऑस्टिक सेल आ जाएगी सबसे बड़ी सेल, तो फिलहाल ज़्यादा हो जाएगा क्लास, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मार्क द इनकरेक्ट अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में इनकरेक्ट देखना है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, बिल्कुल सही बात है, अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल पूछे तो प्लांट सेल में प्लास्टिड, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी लार्ज होता है लेकिन न्यूक्लियस इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ सेल। ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम, नो डाउट, और मेम्ब्रेन लेस होता है, बिल्कुल सही बात, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो इंक्लूजन बॉडी, आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस, चार चीज़ें, तीन चीज़ें और ऐसी होती हैं जिसके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती है। एक बार फिर से बोलेंगे, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन की दो चीज़ें याद रखो हमेशा, एक तो आपका प्लास्टिड हो गया मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया, और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है बट नॉट सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, वो सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, पार्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है। और बाकी यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब एक मेम्ब्रेन, जितने बच्चे सारे के सारे वो एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं, तो याद रख लो नॉन मेम्ब्रेन वाले याद रख लो और डबल मेम्ब्रेन वाले याद रख लो, बाकी जितने बचे वो यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले, क्वेश्चन एक जरूर आता है नीट में, याद रखिएगा। तो राइबोसोम कैसे मेम्ब्रेन लेस हो गया, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट, सही बात है, कैसा होता है 70s टाइप का, है ना, और कह रहा है नॉट फाउंड इन द डबल मेम्ब्रेन, या लिखा देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, है ना, इसका मतलब क्या है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही है, मतलब ये प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, है ना, इसके पास नहीं होता क्या, होता है भैया, कौन सा होता है 70s टाइप, इसके पास भी क्या 70s प्रकार का, है ना, नॉट बोल रहे हैं जबकि होता है, तो गलत हो गया ये, तो इनकरेक्ट ही बताना था हमें, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इनकरेक्ट बताना है, कह रहा है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड आर फॉस्फोग्लिसराइड, बिल्कुल फॉस्फोलिपिड होता है, सही बात है ना, फॉस्फोग्लिसराइड, लेकिन लिखने का मतलब है फॉस्फो, सही बात है, ये फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड, और टेल आर कैसी है, टेल आर लिपिड एंड नॉन पोलर, बिल्कुल सही बात है, एक बार बना के देख लेते हैं, है ना, लिपिड वाइजर, फॉस्फोलिपिड वाइजर बना दी मैंने इस प्रकार से, है ना, ये हेड होता था पोलर आउटर होता था, है ना, पोलर हेड, पोलर हेड कैसा है आउटर है, और ये क्या है नॉन पोलर टेल, कैसी है इनर है, नॉन पोलर टेल इनर है, ठीक है, तो पोलर आउटर साइड, नॉन पोलर टेल इनर साइड, देख लेते हैं, नॉन पोलर टेल है, बिल्कुल सही बात है ना, इनर साइड भी होती है, ये भी बताया है, तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, फिलहाल ये सही हो गया आपका। प्रोटीन सो फ्लिप फ्लॉप मूव, नहीं 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 नहीं, फ्लॉप फ्लॉप जो कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, ओनली सो लिपिड, याद रखिएगा, प्रोटीन लैटरल मूवमेंट शो करती है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन, सॉरी आपकी ये है ना, इधर इधर मूव कर सकती है प्रोटीन, ऊपर नीचे नहीं कर सकती, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकती है, है ना, तो फ्लिप फ्लॉप कौन करेगी, ओनली ओनली लिपिड, प्रोटीन ओनली लेटरल मूवमेंट करती है, तो ये गलत हो गया आपका, ये नीट में शायद क्वेश्चन आया हुआ है, ये पोलर हेड प्रेजेंट टूवर्ड्स आउटर साइड, बिल्कुल सही बात है, पोलर हेड आउटर साइड होता है, नॉन पोलर इनर साइड होती है, थर्ड ऑप्शन बिल भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं, कह रहा है डीएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग एस फेज, रटा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने का मतलब है नहीं, एस फेज में एक काम और होता है क्या, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, है ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कहाँ होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या है टेट्राड, टेट्राड बोलो या बाइवेलेंट बोलो, जब बाइवेलेंट बोलेंगे तो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब दो क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट, ठीक है, ये क्या हो गया भाई,
फिलहाल कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। या की क्या बना दी मैंने, बाइवेलेंट या बोलो या टेट्राहेड बोलो, ठीक है। ये एक प्रकार के मेम्ब्रेन से चिपके होते हैं आपस में, प्रोटीन है ना, प्रोटीन से चिपके होते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड, टेट्राहेड बोलो या बाइवेलेंट बोलो, ठीक है। जब टेट्राहेड बोलेंगे तो क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, कितनी क्रोमेटिड, 4। जब बाइवेलेंट बोलेंगे तो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 1 और 2, दो क्रोमोसोम, ठीक है। और टेलोमियर कितनी होती है, जितनी आर होते हैं टेलोमियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आपकी सेंट्रोमियर कितनी होती है, सेंट्रोमियर दो होती है, एक और दो। कैनेडा कोर कितनी होती है, 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, रिवीजन करा दिया जरा। ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। दीज आर द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, देख लीजिए फटाफट से, और कोई ऑप्शन भी मतलब है नहीं समझाने का, आगे बढ़ते हैं। द फीचर नॉट रिलेटेड विद फैमिली फैबेसी, फैमिली फैबेसी है ना जो दालों वाली फैमिली है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेट नहीं है, देख लेते हैं। कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लावर दिस एस्टिवेशन। काफ़ी प्रकार के पढ़े थे हमने है ना, इंडिकेट स्टेट वॉल वेट एंड वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में क्या होता था, बना दे रहे फिलहाल हम, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बना देते हैं, इस प्रकार से होता है वैक्सिलरी है ना। आगे दो क्या होगा, विंग्स होंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका वैक्सिलम होता था है ना, कहते हैं 2, 1+2+2, 1+2+2 है ना, ऐसे होते थे। तो वैक्सिलम है पोस्टीरियर, और एंटीरियर वैक्सिलम हो गया, और टू लेटरल विंग्स हो गया, एंड ये क्या हो गया, ये आपकी विंग्स होंगी जो कि जुड़ी होती हैं आपस में, इसलिए यहाँ पे कंपोजिट लिख दिया मैंने। वैक्सिलरी प्रेजेंटेशन है, सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं, एस्टिवेशन, ठीक है। तो बिल्कुल होती है, एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में पी लिखा है और वी लिखा है ना, इसमें तो फैबेसी आपकी इसी पी में आती है, पी आ गया हमारा इसमें, तो फर्स्ट सही है आपका। पॉड फ्रूट बिल्कुल सही बात है, आपकी जो फली होती है मटर की फली है ना, मटर की फली होती है ऐसे ऐसे, यहाँ पे दाने लगे रहते हैं ना, पॉड सेम देख लो, मटर देख लो, मोस्टली आपकी पॉड मिलेंगी यहाँ पे है ना, ग्राउंडनट देख लो उसमें भी पॉड मिलेगी है ना। तो एक प्रकार की सीड कोट होता है जो फ्रूट को, सीड को कवर करता है, सीड कोट, उसे पॉड, पॉड फ्रूट हो गया, ये भी सही हो गया आपका। और क्या है, नॉन रूट पर सीड, बिल्कुल सही बात है, डाइकॉट है ना, कहते हैं मोस्टली डाइकॉट कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब मोस्टली या फिर ऑल मोनोकॉट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। आपकी जो फैमिली दी है कौन सी, लिलेसी फैमिली, मोनोकॉट फैमिली होती है, कैसी होती है, एंडोस्पर्मिक होती है। बाकी आपका ये फैबेसी कैसी डाइकॉट है, इसलिए कैसी नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन 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 सोलनेसी डाइकॉट होती है लेकिन होते कैसे, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली आप ये याद रखो, डाइकॉट मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट मतलब एंडोस्पर्मिक। एक दो एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, उनको बाद में देख लेते हैं। फिलहाल नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है क्योंकि डाइकॉट है। प्रेजेंस ऑफ पेरियन, नो नो नो, प्रेजेंस ऑफ पेरियन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिलेसी, दैट लिली व्हेन वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट सेपल एंड पेटल एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली देन वी टर्म इज कॉल्ड पेरियंथ, है ना। तो ना कैलिक्स, ना करोला, ना सेपल, ना पेटल, इनकी जगह पे क्या आएंगे, पेरियंथ, है ना। द कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस कप जब एंड्रोसियम से लग जाए, है ना, एपीफिलस या एपीटेपलस बोलेंगे, फिलस है ना। तो पेरियंथ कहाँ, सिर्फ लिलेसी में होता है, फैबेसी की बात कर रहे हैं, गलत हो गया आपका। आगे देख लेते हैं, ऑल द फॉलोइंग हैव हाफ इंपीरियर, हाफ इंपीरियर एक्सेप्ट, तो प्लम पीस एंड रोज आते थे, हाफ इंपीरियर ये था, ठीक है। तीन प्रकार की थी, एक सुपीरियर ओवरी, एक हाफ इंपीरियर, एक इंपीरियर ओवरी। यहाँ पे आपके आते थे गार्ड्स, आते थे कोकरपिट्स, आते थे सनफ्लावर, आते थे गोवा आता था, बाकी एग्जाम्पल सारे सारे धरा जाएंगे है ना। और यहाँ पे सिर्फ तीन याद रख लो, प्लम पीस एंड रोज, ठीक है, प्लम पीस एंड रोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या, सनफ्लावर, सनफ्लावर का कौन सा, रे फ्लोरेट, किनारे वाली की पत्तियाँ होंगी, ठीक है। और आपकी गोवा ले लो, गोवा ले लो, और कौन सा है, गोवा सनफ्लावर हो गया, और कोकरपिट्स जितने भी हैं, कोकम्बर वगैरह लिखा है सारे एनसीईआरटी में, कोकरपिट्स सारे सारे कोकरपिट्स की, मतलब एस्टिवेसी फैमिली और कोकरपिट्सी फैमिली। वैसे आप इन टर्म का मतलब नहीं पता होगा, फिलहाल तीन ही फैमिली दी है, लेकिन आप जान लीजिए एस्टिवेसी और कोकरपिट्सी सब इधर आएंगी। तो ये आपकी हाफ इंफीरियर है, लेकिन एपिगाइनस है क्योंकि ऊपर से निकल रहा है ना, ये लेटरल से निकल रहा है और ये नीचे से निकल रहा है, इसलिए हाइपोगाइनस बट सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस बट इन्फीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर है ना, प्लम्पीज एंड रोज, मस्टर्ड कैसी है, सुपीरियर ओवरी। आगे देख लेते हैं भाई, थोड़ा स्लो स्पीड बढ़ाते हैं। पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू, सही बात है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट बताना इसके रिगार्डिंग। सेल आर जनरली आइसो डायमेट्रिक, बिल्कुल सही बात है, सेम साइज की होंगी, अगर सर्कुलर होगी ओवल शेप होंगी सारी ऐसी होंगी, अगर हेक्टागोनल होंगी तो
तो सारी ऐसी होंगी, मतलब कैसी आइसोबाइलेटरल है, मतलब एक जैसी होगी वैसी सारी होगी, तभी तो कहते हैं कैसा होता है होमोजीनस टिशू, हेटरोजीनस नहीं होता है ना, एक जैसा टिशू है, सिंपल टिशू एक प्रकार का, सही बात है आइसोबाइलेटरल। वाल ऑफ थिन ब्लू सेल वॉल की बनी होती है, थिन वाल होती है, एंड मे बी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दो थे, दो सिंपल कौन से, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, आपके जो रिमेनिंग दो हैं कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा है ना, वो सब इधर आ जाएंगे मैकेनिकल। तो ये आपका स्टोरेज ऑफ टिशू और करेगा आपका और फोटोसिंथेसिस करेगी ये वाली सेल है ना, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देती है आपकी। तो फटाफट से देखते हैं, कोई ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा सुनाने की जरूरत है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑर्ड देखना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टिशू सिस्टम, तो सबसे पहले ग्राउंड टिशू सिस्टम था, एक एपिडर्मल टिशू सिस्टम था, ग्राउंड टिशू सिस्टम था और एक वैस्कुलर टिशू सिस्टम था। तो एपिडर्मिस में आपके तुम्हारा एपिडर्मल टिशू सिस्टम हो गया है ना, और बाकी पेरिसाइकिल, पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस है ना, और क्या बची, एंडोडर्मिस हो गई, सब चीज़ें कहाँ गई ग्राउंड टिशू सिस्टम में, और सिर्फ जाइलम फ्लो है, मतलब वैस्कुलर बंडल कहाँ गए वैस्कुलर टिशू सिस्टम में, तो पेरिडर्मिस या एपिडर्मिस सिस्टम में ये आपके नहीं आएगा, ऑड हो गया इसके लिए, बाकी सारे सारे क्या है सब ग्राउंड है ना, इसके प्लस हाइपोडर्मिस भी ले लो यहाँ पे, प्लस एंडोडर्मिस भी ले लो यहाँ पे है ना, सब के सब ग्राउंड है, और सिर्फ वैस्कुलर बंडल बोलो जाइलम एंड फ्लोएम, ये कहाँ आएंगे वैस्कुलर टिशू सिस्टम में। 14 सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, साइकस हैव सीड बट नो फूड, सही बात है, ना फूल ना फल, किसके पास, जिम्नोस्पर्म के पास, एंजियोस्पर्म के पास ही सिर्फ फूल और फल होता है, ठीक है, फ्रूट है फ्लावर, तो फ्रूट नहीं होते हैं, और सिलेजिला हेट्रोस्पोरस से नॉट ओनली दिस बट आल्सो सालबीनिया है ना, पूरा याद है SMS आया, ठीक है, सालबीनिया, सिलेजिला, मार्सिलिया एंड एजुला, ये चार टेरोडोफाइट ऐसे हैं है ना जो कैसे हेट्रोस्पोरस, बाकी अदर मोस्टली टेरोफाइट कैसे होते हैं होमोस्पोरस, तो फिलहाल हेट्रोस्पोरस सही बात है। मार्केंसिया डायोसियस लिवरवर्ड है, उनको सही बात है, अभी डायोसियस मतलब आपका जो मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा है ना, एंड 34 होगी इसके बाद 8 × 4 होगी, तो डायोसियस है लिवरवर्ड बोलते सही बात है, लेकिन बोल्फिया यहाँ पे बोल्फिया दोबारा आ गया, बोल्फिया कैसा है, नॉन वैस्कुलर नहीं होता, वैस्कुलर होता है ना, क्योंकि वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर का मतलब वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल स्टार्ट कहाँ से हो गए, टेरिडोफाइट से, इसलिए कहते हैं टेरिडोफाइट आर फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट, इसके बाद जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म के पास वैस्कुलर बंडल होंगे, इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइट के पास कोई प्रकार के वैस्कुलर बंडल नहीं थे है ना, तो बोल्फिया तो आपको बहुत एडवांस हो गया, जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म है ये, तो इसके पास वैस्कुलर बंडल तो होंगे ही होंगे, क्या नॉन, गलत हो गया ना, इसका साइज छोटा है तो सिर्फ इसका मतलब मत हो जाना कि इसके बाद वैस्कुलर बंडल नहीं होंगे, होंगे। 115 देख लेते हैं, एगैप्रेटस, जब हम फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, ये आपकी फीमेल गैमेटोफाइट होगी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस होगी, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, एक आपकी बड़ी यहाँ पे एक्सेल होती है और 2 सिनोडिड सेल होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, एगैप्रेटस है, तो आपका एगैप्रेटस का एम्ब्रियो सैक हैज 1 XL 2 सिनोडिड सेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो दो चीज़ हैं, ये आपका हिल बना दिया मैंने, हिल बना दिया, अगर हम इस पत्थर को ऊपर तक लेके जाएंगे, इसे क्या बोल रहे थे, हिल के ऊपर जा रहे हैं तो बोल दिया अप हिल मूवमेंट, ठीक है, अब इसी पत्थर को हम नीचे तक ले आएंगे, इसे कहते हैं डाउन लेके आ रहा है, मतलब डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, किसी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती है, एग्जाम्पल इज डिफ्यूजन, एग्जाम्पल इज ऑस्मोसिस, एग्जाम्पल इज इम्बाइलेशन, एग्जाम्पल इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है, अब इनमें ऑनली ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दी आर आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हेन वी नीड एनर्जी देन एक्टिव, डू नॉट एनर्जी देन पैसिव, पैसिव इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सारी इधर रहेंगी, डाउन हिल मूवमेंट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देखिए अलॉन्ग है, तो इसमें ये भी है, ये भी है, बहुत होगा आंसर मेरे पास, दो और इम्बाइवेशन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है ना, इम्बाइवेशन और ऑस्मोसिस दो और है मेरे पास, ये हो गया था ना। 117 देख लेते हैं, इफ टू मॉलिक्यूल ए एंड बी मूव इन सेम डायरेक्शन, ओके दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसे कहते हैं क्या, सिम्पोर्ट, अगर अपोजिट है तो एंटीपोर्ट, और एक ही गया तो फिर यूनिपोर्ट, तो दीज आर द बोल टाइप ऑफ फैसिलिटी डिफ्यूजन हो सकती है, टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन भी हो सकते हैं आप है ना, तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों मॉलिक्यूल जाएंगे तो क्या कह देंगे इसको, सिम्पोर्ट, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या हो गया भाई काला काला, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, पहले दिख रहा हमें तो ऑप्शन है ना, नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया मैंने,
अब किसी में भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा हो, इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे अमोनिया लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं NO2 लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मतलब ये कैसा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, मतलब नाइट्रोजन फिक्स हो गई है। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में NO2 है, यहाँ पे NO3 है, और यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे NO2, मतलब इस तरफ N2 नहीं है, तो उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो दिस एंड दिस आर द नाइट्रिफिकेशन। इसमें जरूरत पड़ती है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस की, इसमें जरूरत पड़ती है नाइट्रो वेक्टर की, ठीक है। और दीज आर द डीनाइट्रिफिकेशन व्हेन वी नीड थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास, है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, फर्स्ट राजयोग में लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया, है ना, फ्रेंकिया, फिर ज्यादा रही क्लास रहने जरूर बना बताने वक्त से बता सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, आप भैया याद कर लो उसको, जिंक, है ना, जिंक की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के लिए, है ना। और जिंक की जरूरत और पड़ती है कहाँ, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, है ना, काफ़ी जगह जरूरत पड़ती है जिंक की। फिलहाल ऑक्सीजन के लिए आप लर्न कर लो उसको, और ज़्यादा वैसे लर्न करने के लिए बोलते नहीं है, फिलहाल उसको आप कर लीजिए, कोई समझाने वाला कुछ है नहीं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन रिएक्शन सेंटर PS2 हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट ऑब्वियसली 680, है ना। तो ये कहाँ PS2 भी है ना, और यहाँ पे PS1, मतलब फोटोसिस्टम 1 मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्प्शन करेगा, इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, और PS2 680 वाला लर्निंग क्वेश्चन था। फर्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई समझाने वाला है नहीं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट अबाउट द फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 देख लेते हैं, ये थोड़ा समझाने वाला है। देख लो, आपके थोड़ा प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आप क्या थैलिकॉइड बना रहे हैं, थैलिकॉइड पूरा है क्या, मेम्ब्रेन अगेन, तुम्हारी पूरी ग्रेना बन गया, ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है, ग्रेना लेवल है बोलो या ग्रेना बोलो, ठीक है। एक एक कॉइन, मतलब एक तुम्हारा कॉइन्स को मैंने थैलिकॉइड बोला, और कॉइन्स का पूरा ढेर ग्रेना लेमिला, ठीक है। अब ये एक दूसरे कनेक्ट होते हैं, इसको मैंने बोल दिया क्या, स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, लेमिली जो भी बोलना है। तो कहते हैं कि यहाँ पे PS, यहाँ पे तुम्हारी होती है क्या, यहाँ पे होती है क्या, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है, इधर पे, और यहाँ पे होती है, कहते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, ठीक है। जब नॉन साइक्लिक होती है तो नॉन साइक्लिक कैसे बनती है, यहाँ पे अप डाउन है ना, जेड स्कीम बोलते हैं। तो आपकी यहाँ पे PS2 जरूरत पड़ती है, यहाँ पे PS1, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे ETS हो गए, और यहाँ पे NADP बनेगी, इस तरह से स्ट्रक्चर देखा होगा। तो कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में PS1 और PS2 दोनों जरूरत पड़ती है, और कहाँ होते हैं ये, ग्रेनर लेवल। लेकिन जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है, PS1 से स्टार्ट होता है और ATP बनते हैं, और वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वापस से यहीं पे आ जाएगा, मतलब साइक्लिक फास्फोराइलेशन में PS1 होगा, और ये कहाँ होगा, इधर स्टोमा लेवल में, ठीक है। तो इतना मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ग्रेना मतलब PS1 PS2 दोनों, यहाँ पे सिर्फ PS1, और PS1 PS2 दोनों है, मतलब साइक्लिक सॉरी नॉन साइक्लिक, और यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक। देख लेते हैं, फाउंड इन द स्ट्रोमा लेमिला, तो PS1 फाउंड इन द स्ट्रोमा लेमिला, बिल्कुल सही बात होगी भाई, है ना। इन्वॉल्व इन द नॉन साइक्लिक फास्फोर, बिल्कुल सही बात है, PS1 नॉन साइक्लिक में तो PS1 PS2 दोनों चाहिए था, तो ये भी सही हो गया। क्लोरोफिल ए हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700, अभी मैंने बताया था, है ना, 700 नैनोमीटर, मतलब PS1 कितने में मैक्सिमम क्या होगा, 700 नैनोमीटर में, और PS2 वाला 680 वाले में, है ना। कह रहा है इट नॉट इन्वॉल्व इन द साइक्लिक फास्फोराइलेशन, गलत हो गया, क्यों, साइक्लिक फास्फोराइलेशन मतलब ये वाला PS1 से स्टार्ट हुआ और वापस से इधर ही आ गया, है ना, तो साइक्लिक इन्वॉल्व होती है PS1, ये कह रहा है नॉट इन्वॉल्व, तो गलत हो गया ना ये, इनकरेक्ट बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेप रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, अच्छा रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ एक ही होता था ग्लाइकोलाइसिस, है ना, बाकी तुम्हारे क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या फिर उसकी मेम्ब्रेन में होते थे, ये सब चीजें लिंक रिएक्शन ETS, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होगी, साइटोसोम में होगी, सॉरी साइटोप्लाज्म में। आगे बढ़ते हैं, द रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिटी किसकी, मतलब यूनिटी मतलब 1, है ना, RQ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये क्या होता है RQ, ठीक है, लेस देन 1 होती है प्रोटीन एंड फैट की, इक्वल टू 1 होती है किसी कार्बोहाइड्रेट की, तो यूनिटी मतलब इक्वल टू 1, यानी कार्बोहाइड्रेट सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द प्लांट हार्मोन विच काउंटर एक्ट एपिकल डोमिनेंस, इसमें बहुत सारे बच्चे जरा सा ही हो गए होंगे, एपिकल डोमिनेंस देखते ही मार देते हैं ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है, बल्कि देख लो पूछ क्या रहा है, काउंटर एक्ट बोला है, काउंटर एक्ट बोले या फिर ओवरकम बोले,
है ना। अब एनसीईआरटी में ओवरकम बोला है ना तो तुम तुरंत मार देते, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, या फिर प्रिवेंट बोले, प्रिवेंशन ओवरकम या कॉन्ट्रैक्ट बोले, मतलब उसका है क्या। तो एपिकल डोमिनेंसी मतलब सिर्फ लंबाई में ग्रोथ, कॉज वाई ऑक्सिन, प्रिवेंट वाई साइटोकाइन, क्योंकि हम ऊपर से निकाल दिया हमने एपिकल, तुम्हारा एपिकल बर्ड उसको काट देंगे तो इसके बाद लेटरल ब्रांच बनेगी, किसकी वजह से बनती है, डिवीजन हो रहा ना साइटोकाइन की वजह से। तो एपिकल डोमिनेंसी प्रिवेंटेड बाई साइटोकाइन या ओवरकम बाई साइटोकाइन या काउंटर काउंटरेक्ट बाई साइटोकाइन बट कॉज बाई ऑक्सिन। तो यहाँ पर काउंटर काउंटर वाला था तो साइटोमोसुल भी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब धूप पड़ने लगी बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी, ज़्यादा धूप पड़ने लगी तो हम पत्तियों को जिस्टोमेटा क्लोज कर देंगे, पत्तियों को गिरा देंगे झड़ा देंगे तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो है ना। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक हार्मोन जरूर पड़ती है, एब्सेसिक एसिड, तो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, है ना, जैसे हम लोग में स्ट्रेस हार्मोन ADH बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही स्ट्रेस हार्मोन एब्सेसिक एसिड होता है यहाँ पे, है स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये पत्तियों को झड़ा देगा या स्टोमेटा क्लोज कर देता है, ताकि अब जैसे धूप ज़्यादा पड़ रही है पत्तियों को हम स्टोमेटा क्लोज नहीं करेंगे या पत्तियों को नहीं गिराएंगे तो एवोपरेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। अब आपके पास है ही नहीं है एवोपरेशन ऑफ वाटर, आपको ट्रांसपारेंट के लिए है ही नहीं बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, तो क्या होगा आपकी विल्टिंग हो जाएगी ना, आपकी जो सेल होगी उसमें एक्सोसमस हो जाएगी, आप डेड हो सकते हैं, मतलब आप क्या होता प्लांट सेल, है ना। तो इसलिए कहते हैं स्ट्रेसफुल हार्मोन में ये अच्छी बात, मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन में हेल्प कर रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एल्गी आर हैव ऑलवेज डिप्लॉयड, नहीं भैया सिर्फ प्लांट किंगडम में, क्या एल्गी ब्रैडिफाइड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, किसी को भी पढ़ लो कोई भी चीज़ ऑलवेज डिप्लॉयड या ऑलवेज हैप्लॉयड नहीं होती। हाँ ये कह सकते हैं किसी की डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट हो, किसी की हैप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट हो, या किसी की बराबर डोमिनेंट हो, है ना, हैप्लॉयडिक डिप्लॉयडिक हैप्लो डिप्लॉयडिक की बेस्ड ऑन कंडीशन, बाद में क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं बताएंगे फिलहाल, लेकिन एन और टू एन दोनों चीज़ आएंगी, स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज अल्टरनेटिवली कम द कंडीशन इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन द ऑल प्लांट एल्गी ब्रैडिफाइड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो दोनों अल्टरनेट जरूर आएंगे, ऑलवेज वाली कंडीशन तो किसी के लिए भी नहीं लगा सकते आप, ठीक। क्लोरोफिल ऐसा बिल्कुल सही बात है, ओनली इनिशियल में ऐसा जरूरी नहीं है, इनिशियल में क्लोमेटोमोनास है क्लोरेला है, लेकिन हम इनको एल्गी प्लांट किंगडम में नहीं रखेंगे, कहाँ प्रोटिस्टा में रखेंगे, फिलहाल एल्गी की बात हो रही है तो ओनली इनिशियलर हो ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टी सेलर भी होती हैं, तो ये गलत हो गया। वेल एडेप्टेड वैस्कुलर बंडल, भाई कहाँ से आ जाएंगे, अभी तो ब्रायोफाइट के पास भी नहीं है, तुम तो उसके बच्चे हो छोटे भाई हो, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट बनेंगे उनके पास भी वैस्कुलर बंडल नहीं है, इसके बाद टेरिडोफाइट बनेंगे वहाँ से स्टार्ट होंगे वैस्कुलर बंडल बनना आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। आगे देख लेते हैं, आइसोगैमिट वेन बी मॉर्फोलॉजी कैन नॉट डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल गैमिट, मतलब बाहर से देख के हम ये नहीं बता पाए कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, द कंडीशन इज आइसोगैमिट। तो आइसोगैमी एन आइसोगैमी हु गैमी आर द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आइसोगैमी मोटाइल भी हो सकते हैं, आइसोगैमी नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब एक मेल है इसमें एक फीमेल है, लेकिन हम बाहर से देख के नहीं बता पा रहे हैं, इसे कहते हैं आइसोगैमी। अगर हम बाहर से देख के बता पाए तो कहते हैं एनाइसोगैमी या ओगैमी, ठीक है। तो ये आपके हो गए एनाइसोगैमी, कहाँ होती है, यूरोसेक्स में भी होता है, स्पायरोगायरा में भी होता है ना, इसमें ये वाली कंडीशन होती थी मतलब मोटाइल होते थे, ठीक है, इसमें ये वाली कंडीशन होती थी मतलब नॉन मोटाइल होते थे, है ना। और राइजोपस ये तो आपकी एल्गल फंजाई है भैया, मतलब फंजाई मतलब फाइकोमाइसिटी फंजाई है, तो पहली वाली फंजाई थी उसमें भी आपको आइसो एनाइसो ओगैमस तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते थे, याद हो अगर आपको, है ना, पहली फंजाई की क्लास फाइकोमाइसिस राइजोपस का एग्जाम्पल है। बॉल बॉक्स एंड फ्यूकस ये किसका एग्जाम है, ये ओगैमस टाइप में लिखा है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब ओगैमस क्या होता है इसमें भी बताने लगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, एक जीन होता है डिस्टॉर्फिन, लार्जेस्ट जीन हैव 2.4 मिलियन बेस पेयर बोलो या न्यूक्लियोटाइड बोलो, इतने सारे जीन होते हैं ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन का लार्जेस्ट जीन डिस्टॉर्फिन हो जाता है, इसी में दिक्कत आ गई तो डिसीज इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कुछ याद आया ये नाम, देखिए कुछ याद आया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अरे लोकोमोशन एंड मूवमेंट मिस्थमा ग्रेविस मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, प्रोग्रेशन डिग्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल, वही वाली तो है, ये दोनों का मतलब एक ही है, एक प्रकार के जेनेटिक डिसीज थे वहाँ पे लिखा था, कैसे ऐसे, है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, क्या दिक्कत होती है डिस्ट्रॉफिन जीन बेकार हो जाता है। अब इसमें क्या फीचर है, क्या दिक्कतें आती हैं, अब ये नहीं बताएंगे भाई, इतना जान तो बहुत है। क्रिस्टोगैमी, क्रिस्टोगैमी से याद आती है ऑलवेज क्या है, ऑलवेज ऑलवेज ऑटो है ना, जीनोगैमी टिनोगैमी काफ़ी सारे पॉलिसी पड़े थे ना, तो ऑटोगैमी तो ऑलवेज ऑटोगैमी है। इंश्योर सीड सेट
डिसएडवांटेजेस है बट स्टिल देयर एंड डिसएडवांटेजेस. तो कह रहा है कि मतलब क्रिस्टोगेमी है उसका एक फायदा है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का एक फायदा भी है एक नुकसान भी है. फायदा ये होता है क्रिस्टोगेमी की उसी के पॉलन उसी में गिर जाएंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इसका एडवांटेजेस है. लेकिन जितनी हमें इसकी बेनिफिट नहीं मिले उससे ज़्यादा इसके नुकसान होते हैं. नुकसान क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो हाइब्रिड है वो नहीं बन पाती है. मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएशन नहीं आ पाते हैं, अच्छी बात नहीं है किसी चीज़ के लिए, है ना. तो जितना फायदा मिला पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी उससे ज़्यादा नुकसान हो गया. तो एडवांटेज दो नीट में आए क्वेश्चन है याद रख लो. अगर एडवांस पूछे मतलब इसका फायदा क्या है तो नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, और नुकसान पूछे तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं मिल पाती है इसमें. क्यों, उसी के कारण उसी के पास आ रहे हैं तो इमिटिंग डिप्रेशन आ जाएगा ना. तो जेनेटिक वेरिएशन आर लिमिटेड इन द प्रोजेनी, पॉलिनेटर आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो आपका एडवांटेजेस है, ये आपके डिसएडवांटेजेस है. बाकी दो उनमें लिखे कोई जरूरत नहीं है. फिलहाल बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. ये क्या लिखा था, ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन नहीं, जेनेटिक वेरिएशन कहाँ बनाता है, ये तो आपका जिटनोगेमी जीनोगेमी वहाँ पर जाएगी, है ना. और जिटनोगेमी भी कहाँ जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलते हैं, हमें जीनोगेमी भी मिलते हैं जाके. आपका ये थर्ड ऑप्शन होगा इसमें. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. टू और थ्री लेयर एंथर बॉल विच इज एपीमेरल कार्ड. अब इसमें लोग धराशायी हो गए, एपीमेरल क्या होता है भैया, एपीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, है ना. कोई चीज़ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बने इसके बाद डिसअपीयर हो जाए, और डिसअपीयर होने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं. आपने पढ़ा होगा ये, हमें ना मान लो एपिडर्मिस बना दी, इसके बाद ये बना दी एंडोथीसियम, ठीक है, एपिडर्मिस ये बना दी एंडोथीसियम, ठीक है. और काफ़ी सारी लेयर यहाँ पे बना दी किसकी, मिडल लेयर की बना दी. और इसके बाद यहाँ पे क्या टैपिडर्म के टिश्यू मिलेंगे, है ना, मल्टी न्यूक्लियर टिश्यू टैपिडर्म के टिश्यू मिलेंगे यहाँ. इसके बाद यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा. तो ये प्रकार की हमने ये क्या बना दी, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किसका है, एंथर का, है ना. तो एंथर वॉल होगी कौन सी, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर एंड टैपिडर्म, दीज आर द एंथर वॉल, है ना, एंथर वॉल कहते हैं इसको. तो लेकिन कहते हैं एपिमेरल मतलब शॉर्ट लिव कौन सी होती है, कहते हैं अब जब कैपिटम है या स्पोरोजिनस टिश्यू से आपके क्या स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल से स्पोर बनेगी, रिडक्शन डिवीजन होगा. तो इसको जो फूड की जरूरत पड़ती है ना कहाँ से मिलती है, टैपिडम से. लेकिन टैपिडम तो एक ही लेयर है ना, मान लो ये खत्म हो गई तो फिर नंबर आता है किसका, नंबर आता है इसी मिडल लेयर का. मतलब मिडल लेयर भी एज ए न्यूट्रिशन यूज हो गई, मतलब ये इसका भी खाना के रूप में खप गया, ये भी खप गई. कब, जब टैपिडम कंज्यूम होगी टोटली, तो ये भी शॉर्ट लिव्ड हो जाती है. एनसीईआरटी ने ये नहीं बोला है कि टैपिडम के बाद इसका नंबर आना है खाने के रूप में, लेकिन आज जान लो तुम टैपिडम के बाद अगर कोई खाना देगा तो कौन देगा, आपकी मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर होगा. तो अभी मेरे शॉर्ट लिव्ड होती है, क्यों, कंज्यूम हो जाती है किसके द्वारा, स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा. पहले ये कंज्यूम होगी इसके बाद ये कंज्यूम होगी, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड नहीं होती है, है ना. तो फिलहाल करेक्ट. फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक इन ऑल एक्सेप्ट, देखो मेल हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल हेट्रोगैमेटिक, मेल हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल हेट्रोगैमेटिक. थोड़ा थोड़ा हल्का सर्वाइज कर जा रहे हैं, जैसे ह्यूमन केस ले लो एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है, ये क्या होता था, ये फीमेल है, ये क्या मेल हो गई. यही सेम कंडीशन ह्यूमन के साथ साथ, ये किसका, ह्यूमन का है, यही सेम कंडीशन ह्यूमन के साथ साथ फ्रूट फ्लाई में मिलेगी आपको, फ्रूट फ्लाई बोलो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, ये सेम कंडीशन होगी. लेकिन अगर ये एक्स एस एक्स नॉट करते हैं यहाँ पे हम, सेम है वही चीज़ है, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, है ना, मेल फीमेल, लेकिन ये क्या है, ग्रॉस हॉपर है, ग्रॉस हॉपर, ठीक है, इतना जान लो, इतनी कंडीशन है. अब फीमेल हेट्रोगैमेटिक में जेड 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 डब्ल्यू, ठीक है. अब मेल हेट्रो फीमेल हेट्रोगैमेटिक मतलब फीमेल वाला अलग होगा, डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे क्या, ये फीमेल है, अभी एक्स वाई वाला मेल था, अब जेड डब्ल्यू वाला क्या, फीमेल हो गया. तो ये सेम वाला कैसा है, ये मेल हो गया, ठीक है. ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये बर्ड रेप्टाइल्स फिशेस वगैरह में मिलेगी, है ना. और इसी चीज़ को एक नॉट लगा के देख लेते हैं, जेड 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 नॉट, ठीक है. ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई एंड मॉथ, ठीक है. तो ये बटरफ्लाई मॉथ, ये ग्रास ऑपर मिलेगी बटरफ्लाई, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं दिया शायद, है ना, लेकिन बर्ड्स का शायद बोला गया है ना. तो जेड जेड डब्ल्यू, अब ये जेड जेड नॉट क्या है, जेड नॉट क्या, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, ठीक है. तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक ये है, मेल है. अब देखो मैच कर लो, वर्ड क्या है आपका, वर्ड ये है आपका फीमेल हेट्रोगैमेटिक, तो ये तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो गई. कह रहा कौन नहीं है, फीमेल, है ना. और ग्रास ऑपर क्या है, मेल वाला है, देखो मेल हेट्रोगैमेटिक है, तो ये आंसर हो गया आपका. बटरफ्लाई और मौत का इधर आते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक में, तो ये भी फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, ये भी है और ये भी है, दीज आर द मेल हेट्रोगैमेटिक. वो भी कौन सा वाला, एक्स 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 नॉट वाला. अगर मेल हेट्रोगैमेटिक इसमें पूछते एक्स 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 वाई वाला, तो फ्रूट फ्लाई एंड ह्यूमन, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट.
लैक ऑफ इरोन और प्रोडक्ट ऑफ आई, आई का मतलब क्या है, आई मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब क्या इनहिबिटर होता है, आई का मतलब क्या है इनहिबिटर, ठीक है। अब हम लैक ऑफ इरोन को हल्का फुल्का बता देंगे। देखो दो प्रकार के जीन होते हैं यहाँ पे, जेड बाई ए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन। यहाँ पर होता है आई, इसके बाद होता है ओ, यहाँ पर होता है पी, ठीक है। तो यहाँ से अब मान लो लैक्टोज आपका नहीं है, आपको डाइजेशन नहीं, जब लैक्टोज नहीं है तो डाइजेशन उसकी नहीं करनी पड़ेगी, तो डाइजेशन नहीं करना पड़ेगा तो एंजाइम नहीं बनाना पड़ेगा, एंजाइम नहीं बनाना पड़ेगा तो प्रोटीन नहीं बनानी पड़ेगी, प्रोटीन नहीं बनानी तो आपको ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं कराना। तो आपको ये रोकना है क्या, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ भेजना पड़ेगा ताकि इस पर ऑपरेटर पर जाकर चिपक जाए और आगे ये यहाँ पे लगा क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे ना बढ़ पाए, है ना, इसको रोकना है। तो इसलिए यहाँ से बनते हैं क्या रिप्रेसर, पहले रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, फिर बनेगा क्या रिप्रेसर प्रोटीन, जाके यहाँ चिपक जाएगी, आगे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज नहीं बढ़ पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं बनेगा, डाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं जरूरत पड़ती किसकी, आपके पास लैक्टोज है ही नहीं। लेकिन जब लैक्टोज हो गया तो यही चीज लैक्टोज आ जाएगा एज ए इंड्यूसर, लैक्टोज आ जाएगा एज इंड्यूसर, जाके इसमें रिप्रेसर चिपक जाएगा, अब यहाँ पे नहीं जा पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे खिसक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगा, उसका डाइजेशन भी हो जाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांस एसिडेज एंड परमेज, तीन प्रकार के एंजाइम बताते हैं। ये पूरी लैक ऑपरॉन है, ये दो एक घंटा लगता है समझाने में, एक मिनट में बता दी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं व्हेन बैक्टीरियल सेल हैज अबंडेंट अमाउंट ऑफ लैक्टोज, नहीं, जब हमें लैक्टोज था तब तो हमें ये चीज़ बंद करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सब कराना पड़ता है यहाँ पे। तो कह रहा है आइजीन का काम क्या है, रिप्रेसर बनाना, जब ये बनेगा रिप्रेसर तो यहाँ पे हमें इसको रोकना है, तो रोकना है व्हेन बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव लैक्टोज, मतलब ऑफ है वो। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट, साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट, अब साइज से मतलब क्या है, देखो आपके अब डीएनए का साइज कैसे मेजर करोगे, डीएनए की तो लेंथ होती है ना, लेंथ कैसे मेजर करोगे, लेंथ और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पेयर को काउंट करके हम लेंथ ऑफ डीएनए को मेजर कर सकते हैं, कैसे, हाउ, एंगस्ट्रॉम में हमें पता है ना दो बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 एंगस्ट्रॉम में, 0.34 है ना, ये सब नैनोमीटर वगैरह, तो उसकी डिस्टेंस अब कहते हैं कि 0.1 से इतने किलो, इतना मतलब किलो का मतलब क्या 10^3, 0.1 मतलब 100 और 20 किलो बेस मतलब 2, इस बार 3 जीरो बना दो 1, 2, 3, मतलब 100 से लेके 20,000 किलो बेस, मतलब इतने न्यूक्लियोटाइड या इतने बेस पेयर हैं किसमें, मिनी सैटेलाइट में, ये साइज एनसीईआरटी में दिया गया, लर्न करना है बस और कुछ नहीं, हम बस थोड़ा उसको खोल के बताया मैंने हल्का फुल्का। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, जब प्लांट सेल के सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हटा दो प्लांट सेल से, बस जो बचा सेल मेम्ब्रेन के बाद है ना, उसे क्या कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन नीट में आया हुआ है, इसलिए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट नहीं, सेल विदाउट सेल वॉल, अच्छा होता ऑप्शन अगर प्लांट सेल बोला होता है, फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सेल विदाउट डबल मेम्ब्रेन नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ ब्रैसिका रेसिस्टेंट टू वाइट रस्ट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो से होता था, याद है, फाइकोमासिटी एल्गल फंजाई डिसीज करता था। तो ब्रैसिका कौन, इसको बोलते हैं क्या, करन राई, ठीक है, एक प्रकार की मस्टर्ड है, मस्टर्ड, और मस्टर्ड किस में आती है, क्रूसीफेरी फैमिली में, इसलिए कहते हैं वाइट क्रूसीफर हो जाता था इसमें, है ना, वाइट क्रूसीफर हो जाता, किसकी वजह से हो जाता था, इसमें रस्ट लग जाती थी, रस्ट, तो ये रस्ट ना लगे इसलिए हम ऐसी स्पीसीज बनाए जिससे उसमें रस्ट ना लगे, डिजीज से बच सकें ताकि पैदावारी अच्छी हो सके, तो हमने एक नई स्पीसीज बना दी, इसका नाम क्या है, ब्रैसिका करनराई, है ना, तो पीस ऑफ सुरनेम, है ना, पीस ऑफ सुरनेम बनाया मैंने इसको, तो ये क्रॉप का नाम, वैरायटी का नाम है, इसकी क्रॉप का नाम है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख लो पीसा कॉमन, ये काउपी की है वैरायटी, है ना, इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं हो पाता था। ये देख लो पीसा सुब्रा स्नोबॉल केवन, ये कॉलीफ्लावर की होती थी, ब्लैक रोट नहीं हो पाता था इसमें, है ना। और ये पीसा सदाबहार, ये चिली की होती थी, इसमें CMV TMV बोले तो चिली मोजेक वायरस एंड टोबैको मोजेक वायरस डिसीज नहीं हो पाती थी। तो कुछ वैरायटी थी जिसकी हमने डिसीज रेसिस्टेंट नई वैरायटी बना ली क्योंकि उसमें डिसीज होती थी, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज इन इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, चलो देख लैक्टोज से निकलते हैं।
बायो कंट्रोल एजेंट बैसिलस थोरिनजेनेसिस है ना, बीटी कॉटन बना देते हैं ना, बीटी कॉटन बना देते। तो बीटी कॉटन यूज टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने के लिए? बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पत्तियों पे ये खा जाता था, उसको नुकसान पहुंचाता था, है ना। और ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोबोलस, ये जीनस कैसे था? बैक्यूलोवायरस का, है ना, जो इंसेक्ट स्पेसिफिक जो आपकी इंसेक्ट थे उनको, उनसे बचने के लिए इनका यूज करते थे। इसके बाद एफिड्स, एफिड को कंट्रोल करना है तो क्या करते थे? लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल छोड़ दो इनके ऊपर, एफिड कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद अब मॉस्किटो कंट्रोल करना है तो ड्रैगन फ्लाई छोड़ दो, है ना। तो बायो कंट्रोल एजेंट है फ्लावर, बटरफ्लाई वाला आंसर हो गया था हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच स्पीसीज लिखा है, कह रहा है बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज रिमेन अनअफेक्टेड। तो वही है, प्लस जीरो वाला रिलेशन क्या होता है? रटा होगा कॉमन सेलिजम, ये प्लस प्लस है, ये भी क्या है? प्लस प्लस है। ये पैरासिटम क्या होता है? दोनों को हार्म होगा, और यहाँ पे वन बेनिफिटेड वन अनअफेक्टेड, प्लस जीरो है ना। अब यहाँ इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लो, ये भी प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है। ये ऑब्लिगेट तुम्हारा रिलेशन है, कैसा? मेड टू ईच अदर, है ना, मेड टू ईच अदर, मतलब अगर हम मर गए तो आप भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट तो पहुंचा ही रहे, और प्लस उनका सर्वाइवल, एक का सर्वाइवल होना भी जरूरी है। अब उसमें से एक की भी डेथ हो गई तो अगले वाले की भी हो जाएगी। जैसे लाइकेन ले लो, तो लाइकेन इज नथिंग जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो अगर फंजाई नहीं रहेगा तो फिर एल्गी अकेले बचेगा ना, फिर उसका एग्जिस्टेंस रहा नहीं रहा, खत्म हो गया ना, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। दीज आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन बट बोथ आर बेनिफिट, लेकिन ये कैसा है? ये फोटो कॉर्पोरेशन, मतलब कॉपरेट कर रहा है, रिलेशन सब में तो है लेकिन कॉपरेट करके रह रहे हैं, दोनों को लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन अगर हम एक लोग एक की डेथ हो जाए दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है ना। जो आज टाइम पर जो लव रिलेशन चल रहा है वो यही वाला है, प्रोटो कॉर्पोरेशन वाला है ना, लेकिन ये म्यूचुअलिज्म वाला, मेड टू ईच अदर वाला वो नहीं है। दो सारस अच्छी होते हैं ना, एक मर जाता है तो दूसरे की मर जाए वो ना, वो सच्चा प्यार है उनका, तो ये चीज म्यूचुअलिज्म वाला है वो। तो दो बहुत आर था सिम्बायोटिक रिलेशन, प्लस 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 प्लस, ये प्रोटो कॉर्पोरेशन एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल, प्लीज समझ लो, अपने ऑप्शन में आया तो कम से कम अलग कर सको उसको। मोर्टिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इन गिवन एरिया इज मोर्टिलिटी, बोलो है ना, या डेथ रेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। आई माइग्रेशन रिप्रेजेंट देख लो किस किस से होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ई से करेंगे, बर्थ रेट को स्मॉल बी, इसको स्मॉल डी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन। एक बार आया है नीट में, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, स्मॉल बी स्मॉल डी, ठीक है, आई ई। आगे देख लेते हैं, कह रहा पाइनियर कम्युनिटी इन जीरा, मतलब सूखी, मतलब ट्रेडिशनल कंडीशन में जो पहली स्पीसीज है प्लांट सक्सेशन वो क्या होती है? लाइकेन होती है। और हाइड्रास कंडीशन होती है तो क्या होती थी? फाइटोप्लांकटन होता है ना। तो ये आपका हाइड्रास कंडीशन में है, और ये आपके टेरेस्ट्रियल बोले तो जीराज कंडीशन में है, तो पाइनियर है। इसके बाद पाइनियर के बाद क्या होती थी? सीयर। इसके बाद क्लाइमैक्स है ना। फिलहाल देखते हैं आगे, रिजर्वायर और फास्फोरस साइकिल। देखो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट में दो आते थे, कौन कौन से? आपकी फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। एक होता है रिजर्वायर ऑफ एटमॉस्फेयर वाला, मतलब एयर वाला है ना, इसमें को नाइट्रोजन साइकिल और आपकी कार्बन साइकिल दोनों आती थी, है ना। तो ऐसे याद रख लो, ये लोअर मॉलिकुलर वेट है, मतलब लोअर मॉलिकुलर एटम है ना, मतलब ये तुम्हारा 6 है, इसका 7 है, इसका 15 है, इसका 16 है, मतलब 10 के ऊपर वाले जो हैं तो वो अर्थ क्रस्ट वाले हैं, और 10 के नीचे वाले एटॉमिक नंबर वाले हैं वो कैसे? एटमॉस्फेयर वाले हैं, इनका रिजर्वायर होता है ना। तो इधर प्रश्न मारो आंसर, आगे बढ़ते हैं। Which of the following most important cause of animal plant become extinct? अच्छा, extinct मतलब जो आपकी extinction है वो, उसका main reason चार थे है ना, इसे evil quotient बोलते थे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, मतलब ज़्यादा, नीड चेंज इंटू ग्रीड है ना, जो जरूरतें लालच में बदल जाए, वैसे कहते हैं नीड चेंज इंटू ग्रीड, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पैसेंजर पर्सन, पैसेंजर पिजन एंड एक और थी पैसेंजर पिजन एंड रसिया, कौन सी थी? शायद स्टील रसी का होती, हाँ दैट इज स्टील रसी, ठीक है। को एक्सटेंशन भी ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा रीजन यही है, एलियन स्पीसी इन्वेशन भी था, और एक और बचा कौन सा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जितनी जरूरत है उतना खाओ, पर ज़्यादा मतलब जरूरत की ज़्यादा खा लो, मतलब नेट चेंज इनटू ग्रीड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये चार रीजन थे, 1 2 3 4 है ना। और सबसे बड़ा रीजन क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कहते हैं कि अमेजॉन रन फॉरेस्ट है पहले 14% ऑफ वर्ल्ड लैंडस्केप कवर करता था, नाउ मोर नो मोर देन 6% है ना, लेस देन 6% से भी हो रहा है। जितने देर में आप ये पूरी स्लाइड खत्म करेंगे उतने देर में हजारों हेक्टेयर कट चुके होंगे अभी, है ना, तो बहुत स्पीड से कट रहा है। ऐसे समझ लो आपकी इंडिया है 2% एरिया कवर करता है, 2.1% पूरे अर्थ का, अब ये कितना? 14%, मतलब इंडिया कैसे आएंगे? सात देश, इंडिया के सात देश मिला लो तब एक अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बनता था, इतना बड़ा होता था,
है ना, आपको कितना बचा, 6% बचा है मात्र, कटाई हो रही है भयंकर। फिलहाल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सी टू कंजर्वेशन में, काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल बोला था है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया और क्राय प्रिजर्वेशन हो गया, सीड बैंक, ब्लड बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, आल आर द, बाकी मैंने बताई दिया ना इंस्टीट्यू एक्सी टू क्या हो गया ना, बताया जाए बाकी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क डी आर क्या है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट। मॉन्स्टर प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, ओजोन डुप्लीकेशन रिकॉर्डिंग होता है, ओजोन डुप्लीकेशन ना हो इसलिए मीटिंग बैठाई जाती है। तो ये साइन कब हुआ था, 1987 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 दो साल बाद, ऐसे रखो। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। द पार्ट ऑफ एटमोसफियर विच शील्ड अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व करने वाली क्या होती है, एक होती है बैड ओजोन लेयर, एक होती है गुड ओजोन लेयर। तो जो गुड ओजोन लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर है, और जो बैड ओजोन लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर। तो वन एंड थ्री नहीं होगा यहाँ पे है ना, स्ट्रेटोस्फियर गुड ओजोन लेयर होगी, हमें काफी मोटी होगी, थिकनेस काफी ज्यादा होगी गुड ओजोन लेयर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, अफेक्टेड मेल सही बात है, अफेक्टेड फीमेल सही बात है, फाइव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, नहीं यहाँ पर डबल लाइन होती है, तो ये गलत हो गया आपका ना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं हम लोग, अभी तो सोलो चल रहा था मामला। देर आर नो टी आर एन ए फोर कोडोन विच सिक्वेंस, इनडायरेक्टली स्टॉपिंग कोडोन पूछ रहे हैं, तो यू ए ए यू ए जी यू ए ए यू ए जी यू जी ए यू ए यू ए जी यू जी ए ऑकरे एम्बर एंड ओपल, ऑकरे एम्बर एंड ओपल, तीन कैसे स्टॉपिंग कोडॉन है, इनके पास साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता कि पकड़ के ले जाएं इसका आपके प्रोटीसिस करा दें, ऐसा नहीं होता है ना। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं आप, स्टॉपिंग कोडॉन पूछ रहे हैं, तो यू ए ए ठीक, ये तो आपका इनिशिएटर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट सीड फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ डाइकॉट स्टेम, इतनी अच्छी मतलब लेयर होती है एंडोस्पर्म की कि स्टार्ट सीड बोल देते हैं उसको है ना, तो डाइकॉट स्टेम है, लर्न कर लीजिए इसको, बाकी अब आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रूट हैव ऑल एक्सेप्ट, रूट के पास क्या नहीं हो सकता है, देखो रूट अंदर जमीन के अंदर है, तो जमीन के अंदर हवा तो चलती नहीं है कि उसको हवा का झोंका लगे टूट जाएगी, लेकिन स्टेम एरियल होता है ना, तो उसमें जब हवा के झोंके चढ़ते हैं तो टेढ़ी मेढ़ा ऐसे ऐसे होता रहता है, तो टूट ना जाए इसके वजह से सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हाइपोडर्मिस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे याद रख लो, अंदर जमीन के अंदर हवा चलनी नहीं है इसलिए हाइपोडर्मिस की जरूरत नहीं पड़ती, किसमें, रूट में, चाहे वो किसी की भी हो, मोनोकॉट की हो या फिर डाइकॉट की हो, तो टोटली एब्सेंट होती है रूट में क्या, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो रूट हैव ऑल एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल भी होती है बाकी सब होता ही है, एपिविलमा बोलते हैं एपिडर्मिस को, लोडिंग हो या फिर अनलोडिंग हो, ठीक है, लोडिंग हो या फिर अनलोडिंग हो, किसकी, सुक्रोज की या फिर आपकी ग्लूकोज की, ग्लूकोज नहीं सुक्रोज ज़्यादा अच्छा बोलना होगा है ना, कार्बोहाइड्रेट की, लोडिंग एंड अनलोडिंग किसकी होती है, हमेशा एक्टिव होती है। ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव है ना, लेकिन ये इसकी आपकी कार्बोहाइड्रेट मतलब सुक्रोज की लोडिंग हो या फिर अनलोडिंग हो, दोनों कैसी होती है, एक्टिव, लेकिन कैसी होती है थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर सी2 एलिमेंट है, बगल में कंपेनियन सेल पड़ा, इधर भी आगे कंपेनियन सेल है, फिर से एक सी2 एलिमेंट है, इधर कंपेनियन सेल है, इसमें यहाँ पे लोडिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे अनलोडिंग होगी, फिर से यहाँ पे लोडिंग होगी, बगल में क्या पड़ा, जाइलम पड़ा, इसमें पानी जा रहा है, जब लोडिंग होगी यहाँ पे हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर हो गया हाई ट्रिगर प्रेशर, यहाँ लो ट्रिगर प्रेशर, अप टू डाउन जाएगा, अब इधर आएगा तो पानी यहाँ से तुम्हारा अनलोडिंग होगी, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पानी इधर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या होगी, एंडोस्मोसिस, यहाँ पे वापस से पानी इधर आ गया और यहाँ पे अनलोडिंग होगी। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ आर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दीज आर द मास फ्लो एंड बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 151, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द म्यूसाइट ऑफ हाउसफ्लाई 12, याद करा दें एक बार फटाफट से है ना, 8-12, ठीक है, 8-12 फ्रूट फ्लाई हाउसफ्लाई, याद करने का तरीका, ज्यादा जो ज्यादा दिखती हूँ उसमें ज्यादा नंबर क्रोमोसोम होंगे, तो फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई कम दिखती है 8 होंगे, हाउस फ्लाई ज्यादा दिखती है 12 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं 20 और 24 है ना, मेज एंड राइस, ज्यादा क्या खाते हो, राइस या मेज, आप राइस ज्यादा खाते हो मेज कम खाते हो, तो ज्यादा वाला खाते हो वो ज्यादा वाला क्रोमोसोम, मतलब ये राइस हो गया ये मेज हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 32 और 34, ठीक है,
आपको हम अगर ऑनियन और एप्पल दें, दोनों का मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं ना, तो आप क्या प्रीफर करेंगे, मतलब क्या खाना पसंद करेंगे? एप्पल को ना, ऑनियन को नहीं करेंगे ना, तो ज़्यादा जो प्रीफर करेंगे उसके ज़्यादा क्रोमोसोम, याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एप्पल किसमें 34, 32 में, ऑनियन में। इसके बाद आते हैं 3, 8, 4, 8 एंड 7, 8, ठीक है। ये आपकी कैट होगी, ये आपका डॉग हो गया। कैट और डॉग की आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए बीच में 4, 8 वाला आ गया, मतलब ये पोटैटो वाला आ गया, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो 3, 8 कैट, 4, 8 पोटैटो एंड 7, 8 डॉग, ठीक है। बाकी दो बचे, एक होता है 380, एक होता है 1260, ये होता है ऑर्पिडोग्लॉसम, ये होती है बटरफ्लाई, याद होगी, फ्लॉट प्रीमियम भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कुड एलिमिनेटेड थ्रो। देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल अमाउंट, अगर आप कहें कि यूरिया एलिमिनेटेड थ्रो, तो आंसर आएगा क्या, लीवर, क्योंकि लीवर का काम ही है ना, किडनी के पास भेजेगा, किडनी बाहर कर देगी। लेकिन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कुड भी एलिमिनेटेड थ्रो, तो जब स्मॉल अमाउंट की बात होगी तब यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। तो सलाइवा भी ऐसी चीज़ है जो थोड़े अमाउंट में यूरिया को एक्सक्रीट कर सकता है ना, है ना, याद रखिए। अगर यहाँ पे स्मॉल ना लिखा होता तो आंसर क्या होता है, लीवर, वरना यहाँ पर सलाइवा होगा आंसर। हल्का फुल्का एनसीईआरटी से भरी है ये भी। द फर्स्ट ह्यूमन क्रोमोसोम प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, द ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम इनर सेल मास, आपकी जायगोट बना था, जायगोट बना, इसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ठीक है। इसको मोरुला बोले, इसके बाद 32 सेल स्टेज बनेगी, उसे कहते हैं ब्लास्टुला बोलते हैं। इसमें बाहर की लेयर बना दी, क्या, ट्रोफोब्लास्ट, एम्नियन कोरियन एलेंडोस बनाएगा, अंदर का मास क्या बना देगा, इनर सेल मास, जो किसी बनाएगा, एम्ब्रियो मतलब चाइल्ड बनेगा इससे, तो इनर सेल मास से ये बनता है आपका ह्यूमन एम्ब्रियो, है ना। तो इनर सेल मास इर्विन ने करा दिया फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, गिवन परसेंटेज, अच्छा नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द, अच्छा फूड, देखो इसमें कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन द डिफर सैंपल, यहाँ पे देखिए आरएनए दिया है, आरएनए 12 से, तो आरएनए में क्या थायमिन नहीं होता है ना, यूरेसिल होता है उसकी जगह पे, देख लो थायमिन है, इधर भी थायमिन है, इधर भी थायमिन, इधर भी थायमिन, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, बाकी का यूरेसिल वाला होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी परसेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा देखो आंसर बोलो, नीट में तो करना भाई। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर अमंग द फॉलोइंग, जिप्ट ट्रांसफर ऑफ जायगोट, अर्ली एम्ब्रियोनिक अप टू 8, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, सही बात है, और गिफ्ट को गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, यूटेरस में, तो गलत हो गया ना, ये पूछा है। IUT क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो होता है मोर देन 8, ठीक है। आपने जो जायगोट बनाया अगर अप टू 8 है तो गिफ्ट बोल दो, मोर देन 8 है तो IUT बोल दो, ठीक है। और गैमेट का ट्रांसफर कैसे है, फेलोपियन ट्यूब में, किसका, गिफ्ट के द्वारा, लेकिन ये किसी क्या बोल रहे थे, यूटेरस, ही गलत हो गया आपका। इंट्रासाइटोप्लाज्म इस पर इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्ट टू ओवम, अगर अपने आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं करें तो हम जबरदस्ती करा देते, जबरदस्ती कैसे करा देते, स्पर्म भरे इंजेक्शन में ठोक दिया उसमें, है ना, हो गया जबरदस्ती, इसलिए कहते हैं स्पर्म साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी बोलते हैं, इक्सी। तो इनका बताना सेकंड ऑप्शन भी करें। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनोडर्म, इकोनोडर्म के बारे में बताना है, कह रहा है एडल्ट के पास क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, और लार्वा के पास क्या होती है, सॉरी रेडियल होती है, और लार्वा के बायलेटरल होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में भी करें, लर्निंग क्वेश्चन तो सबको पता है, रटा उठा है, इसमें टाइम नहीं देंगे। विच टाइप ऑफ बैक्टर इंट्रोड्यूस इनटू एडीए, अच्छा देखो एक बात जान लीजिए, जब बैक्टर का ट्रांसफर हम प्लांट सेल में करते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम टीमोफिसिन का यूज करते हैं, एनिमल सेल का यूज करते हैं तो रेट्रोबायस का यूज करते हैं, ठीक है, याद कर लो बस, एडीए डिफिशिएंसी एनिमल वाली सेल है, रेट्रोबायस मारो, आगे बढ़ो। मैं फॉलो पाउन, अच्छा बेटर टू क्या है देख लेते हैं, कहते हैं अच्छा मंथ बता रहा है कौन किस में, फीटस डेवलपमेंट एंड लिम एंड डिजिट्स, देखो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या हार्ट बनता था, हार्ट बना, तो ये कहाँ, ये फर्स्ट मंथ में होगा, ठीक है, आप ऐसे लिख दे रहे हैं, ये कहाँ फर्स्ट मंथ बना, फर्स्ट मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग या एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। फर्स्ट फॉटल मूवमेंट कब होता था, फिफ्थ मंथ में, और यहीं पे बॉडी में हेयर आते थे, ठीक है। फीटस डेवलप लिम एंड डिजिट्स ये कब होता था, सेकेंड मंथ में, ठीक है, और आईलेट सेपरेट एंड आईलेसेस सेपरेट ये कब होता था, सिक्स मंथ में, ओके देख लो, लिखा है इंड ऑफ सेकंड ट्राइमिस्टर, ट्राइमिस्टर बोले तो 3-3 महीने के दो होते हैं, टोटल कितना होगा 6 महीना, तो ये आपका ये हो गया इसका, है ना, डी एच वन पीछे शुरू करते हैं, डी एच वन इधर नहीं है, डी एच वन इधर डी वन है, इधर भी नहीं है, तो आपका 2 एंड 3 दो ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी एच टू है, यहाँ भी सी एच टू है, सी को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बी एच फोर है, यहाँ बी एच, यहाँ पर बी एच वन है, देख लेते बी का क्या है, बी का क्या है, बी का फिफ्थ मंथ है, फिफ्थ मंथ का थर्ड, तो बी एच थ्री, तो बी एच थ्री, थ्री थ्री कहाँ हो गया, बी थ्री, सेकंड ऑप्शन भी करें, ओके।
आगे बात मैंने लिख दिया, आप ना देख लो। विच आर द फॉलोइंग एटीपीएज, देखो आपका जो ये आपका ग्लोबुलर हेड हो गया, ये मैंने क्या हैवी मिरोमाइसिन बना रहा है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी और क्या एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, है ना। ये हैवी मिरोमाइसिन है HMM, ये इसकी टेल है, इसका हेड है, ये क्रॉस ब्रिज है, ठीक है। तो कहते हैं एक्टिव एटीपी एक्टिविटी कहाँ होगी, एटीपी बाइंडिंग साइट में होगी ऑब्वियसली, कहाँ हेड में, तो ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन मिरोमाइसिन, है ना। बाकी ऑप्शन है टेल हो नहीं सकती, ये तो आपके उसके हैं एक्टिन वाले फिलामेंट के। आगे बढ़ते हैं एंजाइम, हाँ ये क्वेश्चन में काफ़ी तो धरासा ही हो गया भैया। एंजाइम यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, फिर एनसीईआरटी के बाहर आ गया, एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, एंजाइम लिखा है उसमें लिखा है, एंजाइम को कैटेगरीज करते हैं तो कैसे, सिक्स क्लासेस में लिखा है, और क्या लिखा है, सिक्स क्लासेस थी हाँ, और 4 to 13 सब क्लासेस, कुछ याद आ रहा है, एंड रिटन एज जब लिखेंगे उनका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 digit number, याद आया कुछ, 4 digit number बस। और बाकी तुम्हारे याद रखना 6 क्लास कौन सी थी, याद करने का तरीका है, और तेरे हाथ लगी इंडियन लैला प्यारे, और तेरे हाथ लगी इंडियन लैला, ठीक है, OTH हाथ लगी LTL, ऑक्सीडोरेटेज ट्रांसफरेज, और H का हाइड्रोलाइजेस, L मतलब लाइजेस, और ट्रांसफरेज तुम्हारा ये कौन सी है, और तेरे इंडियन लैला, आइए आइसोमेरेजेस, L मतलब लाइगेजेस, ये 6 क्लासेस थी। अब 6 क्लासेस में हाइड्रोलाइजेस की पूछ रहा है, एमाइलेज क्या एक प्रकार का हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज है ना, एमाइलेज, तो कौन सी 1, 2, 3 हाइड्रोलेज 3 आ गई, मतलब 3 वाला आ गया, 3 3। फिलहाल आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है भैया, 4 digit number देख लो ना, 1, 2, 3, 4 4 digit, 1, 2, 3 3 digit, यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3, 4 5 digit, 1, 2, 3, 4 5 digit, 4 digit जैसे देख रहे हैं, तो फटाक से मारो आंसर, आगे बढ़ो। ये देख लेते भैया क्या है, कॉन्सेप्ट का फॉलोइंग, अच्छा करेक्टली स्टेटमेंट दिए दो, द इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज है बोन के बारे में बता रहा है, जो आपकी कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज कैसी होगी, सॉलिड एंड कैसी प्लाइबल होगी, है ना, प्लाइबल, और आपकी कैसी होगी हार्ड, बोन कैसी होगी, हार्ड प्लस नॉन प्लाइबल, मतलब लचीली नहीं होगी, हार्ड होगी, अगर उसको हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, मतलब इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो लचीली होती है ना, लिक्विड नहीं होती, मतलब लिक्विड ना गैस, सॉलिड होती है, सॉलिड का मतलब ये नहीं हार्ड से मतलब, ये सॉलिड का मतलब सॉलिड एंड प्लाइबल, है ना। तो देख लो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कैसी है, इंटरसेलुलर मटेरियल और कार्टिलेज कैसा है, सॉलिड एंड प्लाइबल, सॉलिड एंड प्लाइबल, सॉलिड एंड प्लाइबल, हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हार्ड एंड नॉन प्लाइबल लिखा है तो हार्ड नहीं होता भैया, यहाँ पे सॉफ्ट भी नहीं है, सॉफ्ट वगैरह मान ली, चलो मान लो सॉफ्ट होगी कार्टिलेज, ठीक है, तो नॉन प्लाइबल नहीं होता है ना, तो ये भी गलत हो गया आपका, सॉलिड प्लाइबल है ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट नहीं होती है ना, नॉन प्लाइबल ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस, अच्छा जो बायो रिसोर्सेस की चोरी हम करते हैं, है ना, बिना एजुकेशन मतलब बिना नॉलेज के, और बिना सरकार को पेटेंट राइट किए हुए, बिना उसका टैक्स दिए हुए हम कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं चोरी, कहते हैं एक प्रकार की, है ना। तो अब हम वो चोरी कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसे कहते हैं बायो पायरेसी, चोरी एक प्रकार की, है ना। तो बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री इट्स पीपल कॉल्ड बायो पायरेसी, चोरी एक प्रकार की, जैसे हम लोगों की हल्दी थी इंडिया की, नीम भी हम लोगों का था, बासमती राइस भी हम लोग की यहाँ थी, लेकिन बासमती राइस को पेटेंट किसने करा लिया, अमेरिका ने, बोल दिया कि हमारे हैं, हमने बनाए चावल, लेकिन इंडिया की थी वो, है ना, इंडिया ने गलती क्या करी, उसको पेटेंट राइट नहीं करा पाया, अपने राइट नहीं करा पाए, लेगा चोरी करके, इसे क्या कहते हैं बायो पायरेसी बोलते हैं, है ना, इसलिए पेटेंट राइट करा लो भाई जो भी है। आल ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है, अच्छा कॉम्प्लिकेशन एसटीआई कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकती है, मतलब गेस्टेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ, इसके पहले जन्म हो गया, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, मतलब जहाँ प्रेगनेंसी होनी चाहिए यूटेरस में वहाँ नहीं होती, मतलब फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, ओवरी में ही हो जाए, या वजाइना में हो जाए, है ना, तो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, मुश्किल से 1-2 महीने कर पाएगी, इसका अवसर हो जाएगा आपका, है ना, तो ये भी इसका एक प्रकार का आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID ये भी हो सकती है ना आपका, बाकी पीरियडिक एक्शन ये तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्सीव, है ना, ये नहीं होगा भैया, ऑड है ना।
नेचुरल मेथड था आपका ये। कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम एक इनिशियल फ्यू डे में आपको सब जानते हैं कोलेस्ट्रम में क्या आईजी एंटीबॉडी होती है, आईजी एंटीबॉडी होगी जो मदर बेबी को फीड कराएगा, तो इनिशियल की फ्यू डेज का लैक्टेशन होगा उसमें आईजीए एंटीबॉडी मैक्सिमम होगी जो कि इम्यूनिटी के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कुछ दिनों तक ना शहद खिलाएं, ना खाना खिलाएं, ना दूध पिलाएं, पिलाएं सिर्फ माँ का दूध, है ना, बिकॉज इट हैव आईजीए एंटीबॉडी दैट प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू फीटस। फीटस नहीं बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं भैया, तो टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ह्यूमन ईयर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ सराउंडेड बाई पेरी लिम्फ, है ना, और खुद के पास क्या होगा, इंडोलिम पेरी इंडो पेरी इंडो पेरी इंडो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करें। आगे बढ़ो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलीज व्हेन देयर आर डिक्रीज ब्लड प्रेशर। देखो जब बीपी कम हो गया भैया, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है, एडीएच की हार्मोन बढ़ जाएगा और एल्डोस्टेरोन भी सपोर्ट करेगा, है ना, और ये कहाँ जाएंगे, आईजी तुम्हारा, और एक और था एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड, है ना, रेनिन हार्मोन रा सिस्टम बोल दो ना, सीधी सीधी रा सिस्टम आर ए एस एस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बीपी को, घटे हुए बीपी को बढ़ा देंगे, लेकिन ऑलरेडी घटा हुआ है, क्या कह रहा है, अच्छा नॉट बी रिलीज व्हेन देयर डिक्रीज ब्लड प्रेशर वॉल्यूम, है ना, जब बीपी घटा हुआ है ऑलरेडी तो हम ये सारे भी यूज करेंगे लेकिन इसका नहीं करेंगे। जब बीपी भी बढ़ गया उसको घटाने के लिए एट्रियल नेट्रियल फैक्टर, है ना, एएनएफ फैक्टर का यूज करेंगे, जब घटा हुआ बीपी तो बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, तो घटा हुआ है आपका, है ना, तो घटे हुए में कहाँ यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, और घट जाएगा इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, बायोलुमिनेसेंस टीनोफोरा, आगे बढ़ते हैं, हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझाने की, ज़्यादा जहाँ टाइम देना वहाँ पे देंगे बस। लिखा है को एंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइग्लुटामाइन फॉस्फेट विटामिन बी3 होता है। देखो होल एंजाइम के पास दो चीज़ें होती हैं, एक एपो एंजाइम होता है, एक कोफैक्टर होता है, ठीक है, एपो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन पार्ट होता है और जो उसमें हेल्प करता है उसको एक्सेलेरेट करने में हेल्प करता है वो एक प्रकार कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका को एंजाइम्स एंड मेटल आयंस, तीन प्रकार के हो सकते हैं कोफैक्टर, है ना, ये आपको नेटिव एंजाइम है और ये इसका हेल्पर है एक प्रकार का, इसलिए टोटल क्या बोलेंगे इसको, होल एंजाइम, है ना, तो कोफैक्टर आर क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोएंजाइम भी कोफैक्टर है। कह रहा है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइग्लुटामाइन विटामिन बी3 होता है, नियासिन बोलते हैं, सही बात है। कह रहा है हीम इज द ट्रांसिएंट, नहीं ट्रांसिएंट नहीं भाई, देखो एक बार जान लो, दो प्रकार के थे, मैं लिखूंगा नहीं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपके जो कोफैक्टर तीन प्रकार के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, दो की बात करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की एंड कोएंजाइम की। जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो आपके एंजाइम के साथ जब लिंक होंगे तो परमानेंटली लिंक होंगे, मतलब बहुत टाइटली लिंक हो जाएंगे, है ना, लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं वो ट्रांसिएंटली, मतलब जो रिएक्शन होने वाली होगी तभी जुड़ जाएंगे, इसके बाद अलग हो जाएंगे, है ना, तो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन होते हैं काम, कौन, कोएंजाइम वाला, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो परमानेंटली अटैच होता है, टाइटली लिंक होता है, ठीक है, तो ट्रांसिएंट वाली बात कर रहा है, ट्रांसिएंट किसको सपोर्ट करेगा, कोएंजाइम को, लेकिन हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब टाइटली लिंक होगा, तो ये गलत हो गया आपका, ये आपका सही हो गया। कोफैक्टर आर द नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो सही बात है, ये प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट बैंड बाउंड टू एंजाइम टू मेक दैम कैटेगरी एक्टिव, सही बात होगी भाई। जिंक आर द कोएंजाइम, नहीं जिंक आर द मेटल आयन, तो ये भी गलत हो गया, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, टीएफ कहाँ है, टीएफ फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करें, है ना, आगे बढ़ते हैं। द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम ब्रीड विद इन 4 to 6 जनरेशन इनब्रीडिंग होते हैं, है ना, जीन एक्सप्रेस इन हॉट ऑर्गेनिका इन ए हॉट ऑर्गेनिज्म देयर डाई नॉट नेचुरली इन दिस जीन, हेट्रोजीनियस होस्ट बोलते हैं, याद कर लो बस, और कुछ भी इसको बताने वाला नहीं, मतलब हेट्रोजीनियस होस्ट मतलब क्या, जैसे मैंने प्लाज्मिड बनाया कैसी प्रोटिक सेल होती है, लेकिन हम इंसुलिन, मतलब इंसुलिन बनवाना है उससे हमें, तो हम जब प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल में भेज रहे हैं तो एक प्रकार का हेट्रोजीनियस होस्ट हो गया ना, है ना, होमोजीनियस कब हो गया, प्रोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल की चीज़ को प्रोकैरियोटिक सेल में भेजें या यूकैरियोटिक सेल की चीज़ को यूकैरियोटिक सेल में भेजें, उसे कहते हैं होमोजेनेटिक, ये क्या हो गया, हाइड्रोजनिक होस्ट होता है ना, समझाना होगा जी ने, रात कर लो उसको, बस हो गया। द क्रॉप लाइक क्रॉप इंजीनियर इन द, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब एनसीईआरटी का नहीं है, है ना, नॉन एनसीईआरटी है, ये एक प्रकार का इसमें हर्बिसाइड होता है, याद कर लो आज, एक मैंने वो वाला बताया याद करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे बस, तो हर्बिसाइड है एक प्रकार का, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या भैया देख लेते हैं, देखो आपके कोरोना निकल गया है, कहते हैं एक ऐसा है जो वैक्सीनेटेड है, कोरोना पेशेंट मतलब नहीं है, वैक्सीनेटेड है,
आराम से, लेकिन उसको दोबारा कोरोना हो जाता है कभी भी, है ना, वैक्सीनेटेड है लेकिन तो उसके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है ना, है ना, उसके अंदर मेमोरी सेल बन चुकी हैं, तो आपकी जो उसको जब दोबारा से जब कोरोना होगा तो एक प्रकार का ये कैसा हो जाएगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, है ना, क्योंकि अंदर उसकी इम्यूनिटी क्रिएट हो चुकी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये वो कंडीशन है जो आपका पहले वैक्सीनेटेड था और उसके बाद दोबारा कोरोना हो गया। लेकिन ये वाला जो पेशेंट है, इसको पहली बार कोरोना हुआ और इतने ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, इसको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि मतलब इसको बहुत इमरजेंसी जरूरत पड़ी। किस लिए? इमरजेंसी में एडमिट कराया और फटाफट से इसको आपको केमिकल दिए गए। केमिकल दिए गए कौन से? जब रेडीमेड केमिकल दिए जाते हैं, कहते हैं जब रेडीमेड केमिकल दिए इमरजेंसी के टाइम पे, उसे कहते हैं क्या? पैसिव इम्यूनिटी, है ना। और कैसी होती? आर्टिफिशियल। जब आती है क्या? एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है? सेल्फ मेड होती है ना, डॉक्टर से नहीं बनवाते, ऐसे समझ लो, खुद से बनाई एक्टिव, किसी और से बनवाई पैसिव, है ना, और खुद से बनाई मम्मी से ली, ऐसे उसे कहते हैं नेचुरल पैसिव, है ना, और पैसे दे के डॉक्टर से बनवाई कहते हैं आर्टिफिशियल और पैसिव। आर्टिफिशियल एंड पैसिव, ठीक है। तो आपको ये वाला कंडीशन लिखी पढ़ लीजिएगा, अनदर पर्सन गोट इन्फेक्टेड इन कोरोना वायरस स्टैंड सीवियर सिम्टम, है ना, सीवियर सिम्टम याद रखो। जब भी सीवियर या क्रिटिकल चीज़ आए, जैसे टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं, टिटनेस क्या, आपको स्नैक बाइट मतलब सांप ने काट लिया, तो स्नैक बाइट का जो एंटी वीनम लगा जाता है वो एक प्रकार का कैसा होता है? पैसिव होता है ना, रेडीमेड होता है, तो इसलिए पैसिव आर्टिफिशियल में आता है। तो आपकी क्रिटिकल कंडीशन है तो कहाँ आएगा? पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल में, और ये आपकी नेचुरल एक्टिव। थोड़ा सा मिली करेक्ट, इसको भी पढ़ लीजिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। कहानी लिखी तरह से ओरल, क्या ओरल स्टेरॉइड पिल्स, अच्छा जो पिल्स हम लोग खाती हैं, मतलब स्टेरॉइड वाली पिल होगी कोई, मतलब ये सहेली नहीं हो सकती, क्योंकि सहेली कैसी नॉन स्टेरॉइड थी, ये कोई मालाडी या मालायन हो सकती है जो पहले के ज़माने में चलती थी, है ना, डेली खाते थे इसको। अब तो क्या सहेली चल रही है, एक सप्ताह में खाओ बस हो गया। तो ओरल पिल से कोई इनहिबिशन ओवुलेशन करती है, सही बात है। आईयूडी इंसर्टेड बाई डॉक्टर एंड प्रैक्टिस नर्स कराते हैं, खुद से नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग मेक सर्विक्स हॉस्टाइल, मतलब अनफेवरेबल, मतलब उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, किस लिए? स्पर्म के लिए। पूरी लाइन हार्मोन रिलीजिंग की पूरी लाइन क्या होती है? मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, है ना, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। ये पूरी लाइन किसके लिए है? ये पूरी लाइन किसके लिए? हार्मोन रिलीजिंग के लिए, ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट पूछा गया, तो आपका ये इनकरेक्ट हो गया। कॉपर रिलीजिंग के लिए ये बात सही लिखी, इनवर्ट ओव्यूलेशन, लेकिन ये पहली वाली बात लिखी वो इसके लिए है, इसलिए गलत हो गया ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्या भैया? कॉकरोच है, ये आपकी क्रॉप होती है, ठीक है, ये आपकी हेपेटिक सीका है, हेपेटिक सीका है, और नहीं नहीं भैया गिजर्ड है, ये तो देख लीजिए, अच्छे लिख रहे हैं, ये क्रॉप हो गया, ठीक है। एडिशनल चैम्बर होता है इसमें, हम लोगों में स्टोमक होता है स्टोर फूड करने वाला, इसमें स्टोमक नहीं होता है, क्रॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका गिजर्ड है, गिजर्ड एक प्रकार की चक्की होती है, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन और फूड के लिए होती है, ठीक है। बाकी ये हेपेटिक सीका है, जैसे हम लोगों में बाइल होता है, सॉरी लीवर होता है ना, गाल बटर होता है, बाल यूज़ करने के लिए, ऐसे ही हेपेटिक सीका होते हैं, नाम ही हेपेटिक लगा है ना, हेपेटिक लगा, तो सी क्या हो गया आपका? ये हेपेटिक सीका है, हेपेटिक सीका, हेपेटिक सीकी हो गया। और बाकी डी क्या है? ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स हैं आपकी, मेलपिगियन ट्यूबुल्स होगी, ये किसमें काम करेंगी? एक्सक्रीशन में, ये बाल को सीक्रेशन कराएंगी, मतलब एंजाइमेंट का सीक्रेशन कराएंगी, ये ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड कराएगा, स्टोरेज ऑफ फूड कराएगा। आप देख लो भाई क्या है, कह रहा है स्ट्रक्चर बिच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, क्या डाइजेस्टिव का गिजर्ड, मतलब वी, इसमें वी मिला लो भाई, ए स्ट्रक्चर यूज इन स्टोरिंग फूड, क्या ए लिख दो भाई यहाँ पे, स्ट्रक्चर बिच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्चुअलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम हिमोलिम, क्या वेलफिकन टेबल, मतलब डी लिख दो भाई, ए स्ट्रक्चर बिच हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ मेस्टिकेशन फूड, क्या बी, अब बी लिख दो भाई, तो बी तो हो गया था ना, अच्छा सी था, सॉरी सी था, है ना, स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव जूस सी है, हेपेटिक सी का है ना, तो ये सी है, और ये आपका बी है, और ये आपका ए था, तो सी ए डी बी है ना, 1, 2, 3, 4 में क्या है? सी ए डी बी, सी ए डी बी है ऑप्शन में, सी ए डी बी है, 4 है ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज बाई एन एंग्जायटी, फूड पॉइजनिंग एंड ओवर ईटिंग, क्या इंडाइजेशन होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, इसे देख लेते हैं भाई, रीड द स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा डायनासोर के बारे में कह रहा है, अबाउट 85 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ, नहीं 65 मिलियन ईयर अगो था, ये गलत हो गया आपका। टायरानोसॉरस रेक्स अबाउट 20 फीट के होते थे, काफ़ी बड़े होते थे है ना, ह्यूज फियरसम
डेंजर होते थे काफ़ी, है ना, डेंजर लाइक टीथ, मतलब कि टीथ काफ़ी बड़े बड़े होते थे, मतलब ये वाला सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, है ना। तो फोर ऑफ विल बी करेक्ट। जे जी सेल है ना, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एरिथ्रोपोडियम में हेल्प करेगा, वो सही बात है। कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या होता है? कॉलीसिस्टोकाइनिन, देखो पहले इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाजाइमेटिन, है ना। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन एक्चुअली में ये एक्ट करता है किस पे? पैनक्रियाटिक जूस निकलवाता है, मतलब पैनक्रियाज पे एक्ट करेगा, और गाल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, या फिर हाँ गाल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, मतलब बाइल जूस का निकलवाएगा, मतलब फॉर्मेशन रिलीज ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस कौन करेगा? कॉलीसिस्टोकाइनिन। लेकिन ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, भाई ये काम तो कौन कराएगा? गैस्ट्रिक कराएगा ये काम, है ना। तो इनकरेक्ट बता रहे, यही इनकरेक्ट हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लेते हैं, गैस्ट्रिक क्या कराएगा? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ HCl एंड पेप्सिन, सही बात है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कराता है, ये वाली बात है ना, ये दोनों लाने की है, तो सही हो गया। GIP क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक जूस जो है यहाँ पर निकल रहा है ना, मतलब ये और ये एंटागोनिस्टिक है, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाना है तो ये, घटाना है तो ये, और प्लस ये मोटिलिटी को भी कम करता है ना। और एरिथ्रोपोएटिन हो गया, तो सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। आगे देख लेते हैं, कह रहा है RH नेगेटिव कोई फीमेल बॉडी है, कॉन्सीव है, उसके पास दो ट्विंस, दो बच्चे हुए हैं, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोबैसिस फीटलिस? देखो एरिथ्रोबैसिस फीटलिस कंडीशन कब होती है? देखो अगर RH बेबी उसका है, पेट में है, और मदर के जी RH नेगेटिव है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सेकंड टाइम बेबी सेकंड टाइम डिलीवरी होती है, तो उसके एरिथ्रोबैसिस फीटलिस होती है, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, वो भी इंजेक्शन लगाएंगे तब, है ना। लेकिन जो फर्स्ट बेबी एक हो, दो हो, चार हो, पाँच, जितने भी हो, उससे मतलब नहीं होता है। तो इसके चांसेस ऑफ एरिथ्रोबैसिस फीटलिस कितनी है? 0%, है ना, तो उसकी डेथ नहीं होगी। तो फर्स्ट डिलीवरी कैसी है? सेफ है। कब? जब फीमेल कैसी है? नेगेटिव, और मेल से स्पर्म आएगा, है ना, मतलब जो फीटस है मेल वाले से, मतलब उसके अंदर जो फीटस है, है ना, अब कुछ भी हो सकती है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मतलब जो फीटस है वो कैसी है? पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो इसके एंटीबॉडी इसके पास चली जाएंगी, और यहाँ पर बन जाएगी इम्यूनिटी और तुम्हारे इसके अगेंस्ट, और सेकेंड टाइम जो डिलीवरी होगी, सेकेंड टाइम जो बच्चा आएगा उसको एरिथ्रोबैसिस फीटस होगा, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ये आपकी चली जाती है इसके ब्लड में। तो फर्स्ट टाइम पे डिलीवरी में कितने ही बच्चे हों, 0% चांस है एरिथ्रोबैसिस फीटलिस के। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी फीचर गिवन द बॉक्स स्कैटर मसल? स्कैटर मसल मतलब वॉलेंट्री मसल्स है ना। तो पहले नाम वॉलेंट्री मसल एक हो गया, यूनिफ्लूइड नहीं होती है, मल्टी होती है, अटैच टू बोन सही बात है, ये भी हो गया, स्ट्राइशन भी होता है, ये भी हो गया, इंटरग्रल डिस्क नहीं होती, ये कार्डियक में होता है ना। तो 1, 2, 3 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा स्टूडेंट, पेनिस सेल सीक्रेट म्यूकस नहीं, यहाँ से निकलता है लाइसोजाइम, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, NCERT में नहीं दिया गया है ना। तो पेनिस सेल एक्चुअली में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाई जाती हैं, जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट इज लाइसोजाइम का सीक्रेशन कराती हैं, म्यूकस का नहीं कराती हैं, गलत हो गया भैया। चीफ सेल सीक्रेट HCl नहीं भैया, चीफ सेल क्या निकालती हैं? गैस्ट्रिक जूस को, है ना, पेप्सिनोजन को निकालती हैं, चीफ सेल मैन सेल चीफ सेल है, लेकिन HCl इंटरेस्टिव फैक्टर नहीं निकालेंगे, ये भी गलत हो गया। तो बोथ आर इनकरेक्ट, लिखा है टू फॉर्म सोल्जर जॉइंट, अच्छा सोल्जर जॉइंट के लिए जो ग्लोनॉइड कैविटी है आपकी, ये क्या है, ये आपकी मैंने क्या बना दी, स्कैपुला बना दी, है ना, यहाँ पे एक आपकी क्लेविकल होगी, एक स्कैपुला इधर होगी, है ना, एक क्लेविकल इधर होगी, यहाँ पे गर्दन होगी इस प्रकार की। तो यहाँ पे आपकी जो हेड है ग्लोनॉइड कैविटी है, यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस यहाँ फंस जाता है ऐसे करके, है ना, फंस जाता है, तो क्या फंसेगा यहाँ पे ग्लोनॉइड कैविटी में, है ना, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। फ्लेवर सावर वेराइटी है ना, थोड़ा ये NCERT से वेरी कर लो, फ्लेवर सावर वेराइटी ऑफ टोमेटो, टोमेटो की फ्लेवर सावर वेराइटी इतना जान लो, जो आपका ये वाला एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोरिनेज, जो एक्चुअली पता कहाँ काम करता है, ये मिडिल लैमिना सेल वॉल बोलो या मिडिल लैमिना, है ना, मिडिल लैमिना पे एक्ट करता है और इसको डिजॉल्व कर देता है, मतलब जो फ्रूट सड़ते हैं, टमाटर सड़ता है, वो किसकी वजह से सड़ता है, ये वाला एंजाइम। अगर इस एंजाइम को ख़त्म कर देंगे तो टमाटर की जो मिडिल लैमिना है वो डिजॉल्व नहीं होगी, डिसोल्यूशन नहीं होगा, तो टमाटर अच्छे फ्रेश बने रहेंगे। इसलिए हम कुछ ऐसा करें कि एंजाइम को हटा दें, इसलिए साइलेंस कर दो उसको, साइलेंसिंग ऑफ जीन कोडिंग एंजाइम दिस, है ना। ओवर सीक्रेशन करा देंगे तो और जल्दी सड़ जाएंगे, है ना, ओवर एक्सप्रेशन करा देंगे। तो ये जान लो नॉलेज के लिए, है ना, नीट में आया वो क्वेश्चन है। स्टाम्प जो टमाटर आते हैं वो फ्लेवर सावर ही टमाटर आते हैं, जो देसी टमाटर जल्दी सड़ जाते हैं, क्यों, उसमें गैरेक्टोसाइनेज है ना वो निकलता है ना, उसको सेल वॉल या मिडिल लैमिना को डिजॉल्व कर देता है, जिससे सेल हमारी जल्दी सड़ जाती है, टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं।
और सिर्फ ये टमाटो में ही नहीं, और जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जो राइपनिंग का जो मेथड है वो यही होता है, डिजोल्यूशन ऑफ मिडिल लेमेला है ना, बिटवीन फाउंड इन बिटवीन टू प्लांट्स है। ये देख लेते भाई क्या है, प्राइमरी टारगेट ऑफ एच आई वी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा प्राइमरी टारगेट ऑफ एच आई वी मैक्रोफेजेस होता है टी फोर लिम्फोसाइट है ना, वो भी टी फोर लिम्फोसाइट होगी, कौन सी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और इसमें एक्चुअली पता सी टी फोर रिसेप्टर होते हैं, दो चीज़ें रख लो, टी फोर लिम्फोसाइट कौन सी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कौन सी, ये हेल्पर वाली है, ठीक है हेल्पर वाली है, और कौन से रिसेप्टर होंगे इसमें, सी टी फोर रिसेप्टर, किस पर, इसके पास, ठीक है सी टी फोर रिसेप्टर, यहाँ पर लिखा सी टी एट रिसेप्टर जो गलत हो गया, एच आई वी नॉन एनवेलोप रेट्रोवायरस नहीं होता है, इनवेलोप तो होगा भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन में इनवेलोप जरूर होगा, न्यूक्लियो एसिड होगा प्लस बाहर इनवेलोप भी होगा, बाकी आगे लाइन ठीक लिखी है, हैविंग टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जी, सही बात, लेकिन इनवेलोप है, नॉन एनवेलोप नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका, पहला सही था आपका। बाइडली यूज इन डायग्नोसिस ऑफ एलिजा है, एंजाइम सिंग क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से एलिजा का यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए है ना, ये भी हो गया, दी आर नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट, बिस्टन ब्रॉड टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी होता है ना, ये नहीं होता कन्फर्मेटरी। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा पार्शियली इफेक्टिव है ना, एक बार एड्स हो गया उसकी मृत्यु तय है ना, अब मॉडर्न साइंस में इसका उसका इलाज आ जाए पता नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, एक बार इसको एड्स हो गया उसकी मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु को उसकी डेथ को डिले कर सकते हैं, कैसे, इलाज करा के है ना, एक बार हो गया तो हो गया भैया, तो टू एंड थ्री गलत है, बाकी तीन गलत सही है, तो पूछ क्या रहा था इसमें, सही पूछ रहा था, सही पूछ रहा क्या, हाउ मैनी स्टेटमेंट अबाउट, हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, फोर थाउजेंड विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच आर द फॉलोइंग एनिमल इवॉल्व फर्स्ट एम्फीबियंस दैट बोथ लैंड एंड वाटर, फर्स्ट एम्फीबियन कौन होते हैं, लिम्बलस एम्फीबिया है ना, लिम्बलस एम्फीबिया नहीं सॉरी, डिप्नोई फिश बोलते हैं, डिप्नोई फिश, लो फिश मतलब डिप्नोई फिश, डिप्नोई फिश, ये लो फिश आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में है ना, उसमें दिए हैं लो फिश है ना, लो फिश, लो फिश डिप्नोई, डिप्नोई फिश बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन भी करें, इन्यू प्लान है तो मोलस्का और शायद एनेडा की कनेक्टिव लिंक होती है, आर्कियोप्टेरिस भी शायद बर्ड एंड रेप्टाइल्स की कनेक्टिव लिंक होती है, और इक्टोसोरोस ये तो रेप्टाइल्स है आपका, जो लोफिन है आपका वो फर्स्ट इवॉल्व हुई थी ना, फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड फ्रॉम फिश, मतलब फिश से जो एम्फीबिया बने थे, ऐसा समझ लो आपके फिश थी पहले, फिश से क्या बने, एम्फीबिया बने है ना, ये टोटली कैसी हैं, एक्वाटिक हैं ठीक है, और ये कैसे हैं, दोनों में हैं, तो इसके बीच में जो आई थी कौन सी आई थी, लोफ फिश या डिप्नोई फिश है ना, ऐसी फिश जिसके पास लंग्स हो, ऐसा समझ लो ठीक है, लंग्स फिश बोलते हैं इनको, लो फिश बोलो, लंग्स फिश बोलो या डिप्नोई फिश बोलो, सबका मतलब एक ही है। आल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर, अच्छा इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस, अच्छा बॉडी बैलेंस के लिए किस टाइम प्लेयर जरूरत है, और आपका मैकुला ल्यूटिया ऐसे होता है, ये मैकुला ल्यूटिया बनाया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे इंडो लिम्फेटिक सैक है, इंडो लिम्फेटिक डेथ हो गई, एक यूट्रिकल होगी, एक सैकुला होगी, यहाँ पे आपके क्या रिसेप्टर होते हैं है ना, यूट्रिकल और सैक्यूल है ना, और यहाँ पे तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जिसमें होता है किस टाइम प्लेयरस, तो ये आपकी मैंने क्या बना दी, एक प्रकार का मैंने क्या बना दिया, वेस्टिबुलर अपरेटस बना दिया है ना, बैलेंसिंग के लिए होता है, लेकिन जो कोकलिया होता है वो किसके लिए होता है, हेरिंग के लिए होता है ना, ऑर्गन ऑफ क्वार्टी हेरिंग के लिए होता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। 87 देख लेते हैं भैया, विच आर द फॉलोइंग ब्रेन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, क्या लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, देखो आपको जो ट्रांसफर सेक्शन करेंगे किसका, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का है ना, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर को मेडुला बोलेंगे, तो इसमें एक प्रकार का स्ट्रक्चर होने से बोलते हैं एमिग्डाला या लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, तो यहीं पर आपका हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोला मैंने, हाइपोथैलेमस अलॉन्ग विद इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर यूज इन लिबिडो मतलब सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्साइटमेंट में, प्लेजर, पेन एंड काफ़ी सारे इसमें फीचर्स लिखे हैं, उसमें आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा आप है ना, तो लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम किसमें, लिम्बिक लोब इमोशनल ब्रेन बोलते हैं इसको है ना, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस दोनों के साथ मिलकर काफ़ी सारे फंक्शन को ये लोग करते हैं, देखा ब्रेन इन द इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर मतलब लिबिडो, लिबिडो लिबिडो सिस्टम को बता रहे हैं ठीक है, तो ओनली हाइपोथैलेमस नहीं होगा, बहुत होगा यहाँ पे, लिम्बिक सो लिम्बिक लोब लिम्बिक सिस्टम। आगे बढ़ते भैया, काफ़ी और क्वेश्चन लास्ट में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन और रिदम, सही बात भैया,
द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इन वेरी सिग्निफिकेंट नहीं इनसिग्निफिकेंट है ना। CO2 और HN कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा क्यों, उसके लिए रिसेप्टर हैं लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई रिसेप्टर नहीं है, चाहे बढ़े या घटे, इसलिए इनसिग्निफिकेंट रोल है इसका। फर्स्ट करंट, सेकंड इनकरंट है ना, तो फर्स्ट इज करंट, सेकंड इनकरंट। हाउ मेनी एक्सटर्नल रॉ सीड कॉम्प्लीट्स, 8 होती हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, सीम तीनों पूरा है ना। एवोल्यूशन ऑफ DDT रेसिस्टेंट टू डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सिलेक्शन होता है, इसको भी लर्न कर लो। जो एवोल्यूशन हो रहा है मतलब जैसे मॉस्किटो वगैरह होते हैं, अब मोटी लगान भी मॉस्किटो मरते ही नहीं है, है ना, क्योंकि अडेप्ट कर चुके हैं, है ना। तो इस सारे प्रकार के जैसे एक कोई गाय या भैंस है वो दूध कम दे रही है, तो इसके बाद हमने नई स्पीसीज बनाई तो अब दूध ज्यादा देने लगी ना, तो एक प्रकार का डायरेक्शन होता है, मतलब पहले कम दिया इसके बाद ऐसे हो गया ये, है ना, यहाँ पे मतलब एक तरफ से डायरेक्शन हो गया, मतलब डायरेक्शन होता है। दो प्रकार की थी, एक डिसरप्टिव था एवोल्यूशन, इसमें दो पीक मिली थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और एक कैसी थी, एक पीक मिली थी हाईली पीक, यहाँ पे कम एकदम से बढ़ी एकदम से कम, ये क्या था स्टेबलाइजिंग, ये क्या था डिसरप्टिव, ये कैसी डायरेक्शनल। तो मोस्टली एवोल्यूशन है, सारे के सारे एवोल्यूशन कैसे होते हैं, डायरेक्शनल है ना। तो DDT रेसिस्टेंट हो गया मॉस्किटो, DDT के अगेंस्ट कैसा हो गया डायरेक्शनल। एंथोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं, NCERT ने बोला एंथोपोजेनिक, जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया कोई एंटीबायोटिक खा रहा हो उसकी अगेंस्ट उन्होंने एंटीबायोटिक बना, मतलब रेसिस्टेंट हो गई, वो उस एंटीबायोटिक से उसको असर ही नहीं कर रही है, तो वो भी किसमें आएगा, डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू सेल डज नॉट सीक्रेट फाइबर, फाइबर कहाँ नहीं बनते ब्लड के, तो ना ब्लड में फाइबर नहीं बनते आप, बाकी हर जगह फाइबर हो, कनेक्टिव टिश्यू कोई भी हो फाइबर जरूर होगा, कोलेजन और इलास्टिन दो फाइबर होते हैं, लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास कोई फाइबर नहीं होते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल 12-16 ग्राम पर 100 ब्लड में, 100 ब्लड में इतना होता, सही बात है। IgE एंटीबॉड मेनली इन्वॉल्व इन एलर्जी रिएक्शन में नहीं होता भैया, इम्यूनिटी में यूज होती है, एलर्जी में कौन सी होती है IgE है ना, तो गलत हो गया आपका, तो ये सही है ये गलत हो गया। इओसिनोफिल रेसिस्टिव इन्फेक्शन, ये सही बात है, ये भी सही है। स्प्लीन ग्रेड RBC ये भी ठीक है, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, पोस्ट ऑफ मेडिकल। आगे बढ़ते हैं, गला बैठ गया भाई, थक गए, थोड़ा पानी पी लो। द ब्रेन कैपेसिटी हैवेलस कितनी है भैया, हम लोग कितनी 1500 के ऊपर निकल गए हम लोग, है ना, ये नियंडरथल की लिखी शायरी वाली, ठीक है, तो आपके कितने होम हैवेलस कितनी है, लर्न करना भाई, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। लिखा है कि अच्छा एनोलॉजी लिखना है, कहना है जो इंडस्ट्रियल पॉलिटेंट्स है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ORD, तो वहीं पे सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है एम्फाइसेमा होती है भैया, इसमें क्या होता है डिग्रेडेशन ऑफ एल्वियर वॉल डैमेज, मतलब सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी है वो डिक्रीज हो जाता है ना, एम्फाइसेमा खूब आता है, ये नीट में खूब पूछा जाता है, 5 से 6 बार पूछ चुका है नीट में, एम्फाइसेमा एंड ब्रोंकाई वाला है ना, एजमा एंड एम्फाइसेमा। आगे बढ़ते हैं, कॉपी नंबर कौन डिसाइड करता है, ORI है ना, किसी कितनी कॉपी नंबर बनती है ORI डिसाइड करती है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि मेरा गला बैठ गया है भैया, मतलब जो कॉपी नंबर है ना प्लाज्मिड के, वो डिसाइड करता है उसकी ORI। सेलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग रिसेप्टर एमिलिनम, तीनों पूरा में रेडियल सिमेट्री, सही बात है, एस्केलेमेंटी सिलोमेट नहीं होता है, कैसा होता है सीडोसिलोमेट होता है, सीडोसिलोमेट है ना, तो गलत हो गया ये। एनिलिनम में सेगमेंटेशन, टू सेगमेंटेशन होता है, क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म बोलते हैं, मेटामेरिज्म है ना। इसके बाद प्लेटी हेलमेंटी इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है, सही बात है ना, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन, ऑड देखना भैया, रिगार्डिंग किसके एक्सक्रीशन कॉकरोच के लिए, तीन स्ट्रक्चर थे, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट एंड फैट बॉडी है ना, जो एक्सक्रेटरी में हेल्प करते थे, बाकी एंटीनरी ग्लैंड कोई मतलब नहीं है, शायद सेंसरी ऑर्गन होते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट एनालॉजी सब ये भी करना है, प्लेजर मूवमेंट अगर स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म में हो रहा है तो अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ल्यूकोसाइट मतलब WBC में, WBC ओके, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कह रहा कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग रिगार्डिंग हार्मोनल डिसऑर्डर में, कह रहा ग्रेव्स डिसीज फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं, ग्रेव्स डिसीज नहीं होती भैया है ना, ये ग्रोथ हार्मोन अगर कैसा हो ज़्यादा हो, अच्छा हाँ हाइपोथायरॉयड ग्रोथ हार्मोन की बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, ग्रेव्स डिसीज कब होगी, जब कैसी होगी, हाइपो की जगह क्या होगा यहाँ पर, हाइपर होना चाहिए है ना, तो हाइपर थायरॉयड मतलब तुम्हारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा निकलेगा तब होगा क्या ग्रेव्स डिसीज, इन्होंने हाइपो बोला तो गलत हो गया, ये कह रहा है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन
आफ्टर प्यूबर्टी लीड टू एक्रोमेगैली, सही बात है भाई, सही बात है कि गलत बात है? एक्रोमेगैली कब होती है? हाँ सही लग रहा है मुझे तो, एक्रोमेगैली हो जाती है ना कब, जब प्यूबर्टी में हो, लेकिन यही अगर चाइल्ड में हो जाए, है ना, चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाती है भैया डिजीज, गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म मतलब भीम का, सही भीम की जैसा हो जाता है, यही एडल्ट में हो यही काम, तो आपकी एक्रोमेगैली याद रख लो, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन चाइल्ड या गिगेंटिज्म एडल्ट में तो एक्रोमेगैली, और ग्रोथ हार्मोन कम हो गया किसमें, चाइल्ड में तो कहते हैं क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म नहीं डॉर्फिज्म, क्रिएटिनिज्म तो वो वाला था थायरोसिन वाला है, तो डॉर्फिज्म मतलब डॉर्फ छोटे छोटे होंगे वो, अगर एडल्ट में होगा तो साइमेंट बोलते हैं, और दोनों चीज़ें रख लो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा चाइल्ड में तो गिगेंटिज्म, एडल्ट में बढ़ेगा तो एक्रोमेगैली, ग्रोथ हार्मोन कम है किसमें, चाइल्ड स्टेज से ही तो क्या डॉर्फिज्म, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो साइमेंट, चार चीज़ें हैं ठीक, तो आपको सही हो गया। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मिलाइटिस, सही बात है ये भी सही है, क्रिएटिनिज्म भी आ गया देखो थायरोसिन वाला है ना कम हो जाएगा क्रिएटिनिन, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, हाइपोथायरॉयडिज्म लिखा है हाइपो, ठीक वो सही बात है, ये भी सही हो जाएगा, तो फर्स्ट इनकरेक्ट बाकी सब करेक्ट है, तो बी सी डी आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो बी सी डी आर करेक्ट है ना, थायरोसिन भी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, थैंक गॉड पूरे हो गए, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर देखना, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन क्या, पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोले तो 10 to 17 डे, क्योंकि हमारा 14 डे क्या है ओवुलेशन डे है, इसलिए हम दो चार दिन पहले पहले गिर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पर्म दो दिन इंतजार कर सकता है, ओवा एक दिन इंतजार कर सकता है ना, इंतजार करने का मतलब अगर हम क्वाइटस 12वें दिन करें, स्पर्म दो दिन बैठा रहेगा कि ओवा आएगा आएगा मीट करेगा, इसलिए हम 3 दिन इधर 4 दिन इधर और 3 दिन इधर ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ये सेफ पीरियड है किसके लिए, जिसको जो अनमेरिड तो नहीं बोल सकती, मतलब जो मैरिड कपल हैं उनको बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ये फर्टाइल पीरियड किसके लिए, इनको बच्चा चाहिए है ना, तो इसे ही है भाई। कॉपर डिवीजन, कॉपर डिवी में हाँ ठीक है, कॉपर डी, कॉपर 7 और कौन सी होती है, मल्टीरोड 375, लेकिन उन्होंने देखो मल्टीरोड 375 यहाँ लिख दी हार्मोन रिलीज में, जबकि यहाँ पे कौन सी थी, एल एन जी ट्वेंटी एंड प्रोजेस्टा सर्ट, यहाँ पर दो लिखी है ना प्रोजेस्टा सर्ट, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्टली पूछा, थर्ड नॉन मेडिकल आईओडी लिपस्टिक होती है, बिल्कुल सही बात है भैया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।